भगवान गीता में जो बताया जन्म मेरा है नहीं, मेरा कर्म है नहीं, क्यों भगवान यहाँ पर जन्म लेने के लिए खरा थाने में आते हैं? उसके लिए कुछ कारण बताने के लिए गुरु जी ने मुझे आदेश दिया। किंतु एक बात याद रखना, हम लोग को आज्ञा नहीं है, कुछ भी चीज आज्ञा में बसंत अच्छा चीज नहीं करते, गलत नहीं करते, गलत तो अच्छा सुधारने के लिए गुरु जी को हम लोग प्रश्न करते हैं। किंतु आज गुरु जी हमको प्रश्न किया इसी चीज को बताने के लिए। मेरा तो इतना ज्ञान नहीं, किंतु मैंने जो गुरु जी से श्रवण किया उसी से कुछ थोड़ा सा मेरा तो याद नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा याद आएगा बताने के लिए कोशिश करूँगा। भगवान गीता में बताया, यहाँ पर लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ज्ञानेर भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदा कामस्य जातः परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बताया भगवान, भगवान आने का पहला कारण है मैंने तीन काम करने के लिए आता है। प्रथम तो संसार में जब पाप दुष्ट बढ़ जाए, बहुत पाप बढ़ता है, मैंने पापी दुष्ट को सहारा करूंगा, धर्म को स्थापना करूंगा एवं साधु लोगों को आनंद देने के लिए भी यहां पर आता हूं। दूसरा बताया उसी का साथ थोड़ा जुड़ा हुआ, अनुग्रहाय भक्तानां मनुष्यं देहमास्तु। मैंने भक्त लोगों को अनुग्रह मतलब कृपा करने के लिए इसी धारा धाम में मनुष्य रूप लेकर के आता हूं। तीसरा कारण जो है मैं बोलूंगा, आप थोड़ा सा ध्यान देकर समझना, उसी का साथ जुड़ा हुआ। काल गुरु जी बता रहे थे परजना महाराज का पांच संतान थे, कल हम लोग सुने उनका एक संतान था नंद बाबा, उनका पत्नी था जसोदा रानी, उनका जो संतान हुआ कृष्ण। किंतु पहले हम लोग सुन चुके हैं बहुत बार गुरु का मुख से, त्रिपाठी का अष्टम गर्भ का संता कृष्ण आए अष्टम गर्भ त्रिपाठी का। किंतु जो त्रिपाठी का अष्टम गर्भ में कृष्ण आए उसी का पहले भी सात गर्भ हुआ त्रिपाठी का, छह गर्भ मर भी चुके बालक, पहले मरे नहीं कंस ने मारा, सप्तम गर्भ में आए बलदेव प्रभु। हमारा अंदर भी भक्ति करने के लिए भक्ति का आठ स्टेज है, जैसा अष्टम में भगवान कृष्ण आए ऐसा हमारा भक्ति में भी आठ स्टेज है, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अमर्थ निर्वृत्ति निष्ठा आसक्ति रुचि भाव प्रेम। गुरु जी बोलते हैं बिना प्रेम से न मिले नंदोला, जब तक हृदय में प्रेम प्रकट नहीं होगा भगवान कृष्ण नंदलाल को दर्शन भी कर नहीं सकते। हमारा प्रेम कैसे हृदय में प्रकट होगा, सबका अंदर भी कृष्ण रहेगा इसलिए तो प्रकट होगा। कैसे प्रकट होगा, जो छह बच्चा कंस ने मारा वही छह बच्चा को हमारा अंदर भी मारना पड़ेगा। वो छह है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इसी चीज को छह को मारना होगा। सप्तम में है कंस है भय, हमारा भक्ति का संसार में तो भय करेगा जो जब वो मरेगा, किंतु भक्ति में भय जो करेगा वो करेगा,
वैष्णव अपराध नहीं हो जाए, मेरा ये नहीं हो जाए, भक्ति डूबी जाएगा, पतन हो जाएगा। अभी लोग बोल रहे थे ना दो दिन पहले, हमारा भक्ति में भी भय होना चाहिए। भय होकर के छह बच्चा को मारे तो अष्टम में भगवान आएंगे। कैसे हम लोग को सुने बहुत बार उठे नंद रानी का जो संतान कृष्ण हुआ, पहले भगवान कृष्ण ने नंद रानी का गर्भ में आए, कुछ दिनों के बाद उनका दिन हमारा जब हो गया तो बाहर आ गया। इसीलिए नंद रानी ने बन गया माँ, कृष्ण बन गया उनका संतान, ये है ना, ये तो नहीं है। शास्त्र बोलता है देखो, जिस समय अश्वस्थमा ने ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया, छह छह ब्रह्मास्त्र, पंचों पांडवों के लिए पांच, एक एक उत्तरा का गर्भ में जो परीक्षित महाराज थे, परीक्षित महाराज के लिए एक, उसी समय उत्तरा ने भगवान कृष्ण को पुकारा। जब भगवान कृष्ण को पुकारा, भगवान कृष्ण ने आए उत्तरा का गर्भ को रक्षा करने के लिए, उत्तरा का गर्भ में प्रवेश किया एवं गौता घुमा घुमा करके, चक्र को घुमा घुमा करके उत्तरा का गर्भ को रक्षा किया एवं जब परीक्षित महाराज सुरक्षित हो गए, उत्तरा गर्भ से पुनर्वार भगवान बाहर आया। उत्तरा तो भगवान का माँ बनने संगा, उत्तरा भगवान का माँ है क्या? भगवान उनका गर्भ में गया, उनका गर्भ से भी आया, किंतु उत्तरा माँ बना नहीं, दूसरा देखने के लिए मिलता है। इसी रात भगवान जिस समय बराह अवतार ग्रहण किया, ब्रह्मा ने छीका, ब्रह्मा का नाक से एक मच्छर जैसा प्राणी सृष्टि हुआ, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बृहत आकार में धारण किया, वही है बराह देव, बराह भगवान की जय। किंतु जो बराह भगवान जन्म लिया ब्रह्मा का नाक से, ब्रह्मा क्या भगवान का मां बन गया? चौथा में लिखने के लिए मिल रहे भागवत में, किसी समय प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकशिपु गया था, हिरण्यकशिपु पूछा तेरा विष्णु कहाँ है बता, तो विष्णु सर्वत्र है बोलते, भगवान बताया प्रहलाद, प्रहलाद महाराज ने बताया भगवान विष्णु कहाँ पर है नहीं बता। हिरण्यकशिपु बताया क्या इसी खंभा में है? प्रहलाद बताया हाँ है, हिरण्यकशिपु उसी खंभा को मारा। जब खंबा को प्रहार किया, भगवान नृसिंह देव ने इसी खंबा से प्रकट हो, जब उसी खंबा में भगवान प्रकट हुए नरसिंहदेव, नरसिंहदेव का माँ क्या खंबा बन गया? जशोदा माँ का गर्भ से जन्म होने पर भी जशोदा माँ माँ बन, कैसे माँ बन गया? तीसरा कारण बताया, एक बार उसी को रूप गोस्वामी ने बताया, रूप गोस्वामी ने बताया किसी साधक जब किसी भी जीव राधा का भक्ति में प्रवेश कर, जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, ब्रजवासी होते हैं, ब्रजवासी का चरण आश्रय करना पड़ेगा, आराध्य भक्त अनाराध्य राजा पदाम्बुज, सब संत का आश्रय करोगे भगवान को प्राप्ति कर सकते, नहीं तो प्राप्ति नहीं होगा। देखने के लिए मिलते उसी भागवत में, लक्ष्मी जब नारायण, नारायण का तो पत्नी लक्ष्मी है, कुछ लोग तो बोलते हैं नारायण जो है वही कृष्ण है, किंतु कृष्ण ने आए रासलीला करने के लिए,
लक्ष्मी देवी ने नारायण को छोड़कर के आया रासलीला में प्रवेश करने के लिए। भगवान ने हमारा मना कर दिया, क्यों? तू कभी किसी ब्रजवासी का चरणा स्पर्श किया नहीं, इसी जगह में प्रवेश करने को निषेध है। इसीलिए अभी भी बेलगण में लक्ष्मी देवी तपस्या करते हैं, मेरे को वृंदावन आपका चरण में कब आश्रय मिलेगा? अभी लक्ष्मी देवी का भी आश्रय मिला नहीं भगवान का चरण में। भक्तिविनय ठाकुर तो बताया, सर्वस्व तुम्हारा चरण सजिया पड़ी छी तुम्हारे घर, इसी को बोलते शरण सर्वस्व अर्पण करना। ऐसे अर्पण किया था नंदव राजा एवं जसवती का, पूर्व जन्म में दोनों थे द्रोण धरा, वो दोनों ने ब्रह्मा को तपस्या किया। ब्रह्मा ने तपस्या से संतुष्ट होकर बताया, आपको क्या चाहिए? बरमा को। द्रोणधरा ने बरमा का मेरे को ऐसा वरदान दो जैसा कि एक माँ अपना बच्चा को लाड़ लड़ाते रहते हैं, ऐसा मैंने भगवान को भी लाड़ लड़ाऊंगा। ब्रह्मा ने तथास्तु बोला, किंतु देखो कि वसुदेव वो दोनों भी भगवान को तपस्या किया। द्रोणी धरा उनका पूर्व जन्म थे, उसने कहा वो दोनों ने भगवान कृष्ण को तपस्या किया, भगवान संतुष्ट हो गए। भगवान जब संतुष्ट हुए पूछा, क्या वर मांगते हो? मेरे वर मांगो। वो दोनों ने भगवान को मांगा, आप जैसा बच्चा मेरे को दो। भगवान बताया, मेरा जैसा पृथ्वी में कोई भी है, मैंने आपका खुद बच्चा बन करके आऊंगा। क्योंकि भगवान जब आए, भगवान भागवत को बताया, ऐसा तो मैंने कहा सिद्धि भगवान की माने की संशय अच्युत से बिना संशय तो तदभक्ता परिचर्चा रखा। भगवान खुद बोलते हैं, जो व्यक्ति सीधा डायरेक्ट भगवान को पूजा करेगा उसका सिद्धि प्राप्ति होगा नहीं होगा मैंने गारंटी बोल नहीं सकता, किंतु जो व्यक्ति मेरा भक्त का आनुगत्य में भजन करेगा गुरु शुश्रूषया भक्त सर्व लब्धा अर्पण संगेन साधुभक्ता ईश्वर अर्पण। गुरु का चरण में सब कुछ अर्पण करते हुए वैष्णव का संग में भगवान का भजन करना चाहिए। दूसरा भी कहते हैं, प्रथम तो गुरु पूज्य, प्रथम गुरु पूजा करो, उसी के बाद दूसरा कुछ करना, नहीं तो निष्फल भवे, आपका फल मिलेगा नहीं। पहले गुरु पूजा करो। ब्रह्मा है भक्त और कृष्ण है भगवान। नंद दशरथ गया ब्रह्मा जी का पास, भक्त का चरण आश्रय लिया, एवं देवकी वसुदेव ने गया कृष्ण का शरण लिया। समझ में आ रहा है? जब डायरेक्ट भगवान को शरण लिया, भगवान के दोनों को आशीर्वाद मिला, भगवान का आशीर्वाद मिला, भक्तवाद का आशीर्वाद मिला। क्योंकि भगवान गीता में बताया, मैंने युद्ध में अस्त्र नहीं धारण करूंगा, भक्त ने प्रतिज्ञा किया मैंने आपको अस्त्र धारण करूंगा। भगवान अपना प्रतिज्ञा तोड़कर भक्त का प्रतिज्ञा रख दिया था। ऐसा दोनों का मां बने, किंतु देखो कि भूमिका ऐश्वर्य, भगवान जब प्रकट हो गए शंकर चक्र गदापद को लेकर के भाव बेस बहुत सुंदर, किंतु उसी समय देवकी वसुदेव ने भगवान को हाथ जड़कर स्तुति किया, हे भगवान मैं तो आपको इसी रूप में प्रार्थना नहीं किया था, मेरे को किसी रूप में देखा है। किंतु भगवान ने स्मरण कराया,
तो मेरे को पिछली जन्म में तेरा याद नहीं, स्मरण कर मेरे को तपस्या क्या था मेरे जैसा बच्चा होने के लिए, मैंने बताया था मैंने खुद मांगा, इसलिए तेरे को स्मरण करने के लिए आया अभी बच्चा बन जाऊंगा। किंतु मंगलावर तो यशोवती माँ भक्त को प्रार्थना किया, जब भक्त का कृपा हुआ, भक्त का कृपा से जो भगवान का भक्ति है पांच तरह का होता है, शांत रस्य सख्य वात्सल्य। यशोदा माँ ने प्रार्थना किया था मैं जैसे वात्सल्य भाव में अपना बच्चा को जैसे खिलाना पिलाते हैं, मैंने ऐसा भगवान को दान करूंगा, ब्रह्मा ने तथास्तु बताया। इसीलिए यशोदा माँ श्रेष्ठ बन गया, माँ बन गया, क्योंकि उनका बच्चा ही था। जो प्रश्न था हमारा, इन चारों माँ बन नहीं पाई, यशोदा माँ ने क्यों माँ बना? यशोदा माँ ने माँ बना जो भक्ति का आठ स्टेज है बताया, अष्टम स्टेज है प्रेम है, यशोदा माँ का प्रेम ही माँ बना, समझ में आ रहा है? इसीलिए तीसरा कारण दिया, चौथा कारण है गंडक का अरण्य में त्रेता युग में बहुत सारा संत भगवान गोपाल मंत्र में यज्ञ कर रहे थे। भगवान जब त्रेता युग में आए गंडक का अरण्य में गए, वहां पर योगी ऋषियों राम को श्याम मनेकर पत्रिकों ने वर्णन किया, जब पत्रिकों ने वर्णन किया वहां पर भगवान राम बताया मैंने इसी लीला में सीता को छोड़कर दूसरा किसी को ग्रहण नहीं कर सकता, आपको ग्रहण करूंगा किंतु अगला बार जब कृष्ण बनकर आऊंगा आपको ग्रहण करूंगा। वही ऋषियों आए यहां पर गोपी बन, क्योंकि तृतीय युग में यज्ञ द्वारा भगवत प्राप्ति होता था। आजकल कली युग में कुछ लोग यज्ञ द्वारा प्राप्ति करने के लिए चाहते हैं। हमारा राहुल ने दो दिन पहले बता रहा था कली युग में यज्ञ है नहीं, क्यों? तृतीय युग में यज्ञ था, अभी क्यों नहीं है? अभी तो शुद्ध चीज नहीं मिलता, ये कहता ब्राह्मण भी शुद्ध नहीं, क्योंकि जो ब्राह्मण साधारण वेद मंत्र पाठ पढ़ते नहीं बोलते, वेद मंत्र को पढ़ा होता भी बहुत विद्या अध्ययन किया, साधारण भाव से कुछ ब्राह्मण पान घुटका खाते, जब पान घुटका खाएंगे उसी घुटका पान से मुंह का अवरुद्ध हो जाता, हम लोग जैसे दाल चावल खाते हैं परिष्कार करने के बाद कुछ करते हैं, खाते खाते हरिनाम भगवान का नाम नहीं लेते हैं, लेते हैं अपवित्र होता हूँ। आजकल ब्राह्मण तो अलग, कुछ भी ब्राह्मण हो ऐसा, कुछ भी क्षत्रिय हो कुछ ऐसा व्यक्ति निकले हैं यासा पति में बैठते हैं भगवान का कथा आलोचना करने के, वक्ता बोले किंतु पान खाते, वक्ता बोले एक मेरा स्मरण आ रहा है सामने भागवत कथा रखते कोई भी देखना, जो भागवत कथा रखते हैं कौन जी भी भागवत कथा सामने रखते, क्योंकि भागवत माने स्वयं भगवान है, भागवत कथा रखते भागवत कथा प्रवचन होते, किंतु इतना सुंदर व्याख्या करते हैं क्या सुंदर अद्भुत व्याख्या। एक दिन अब लोग देखना जो मुंह में पान के बाद गुटका खाते हैं जब कथा बोलेंगे धूप गिरेगा, जो सुपारी खाएंगे सुपारी का टुकड़ा भी बाहर गिरेगा,
सामने भागवत ग्रंथों में भागवत ऊपर भी गीत करता है एक व्यक्ति कथा तो सुनने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। एक व्यक्ति ने पीछे देखा था जब कथा समाप्त हो गया आकर के प्रणाम किया, हे महात्मा जी आपको प्रणाम, लेकिन एक प्रश्न है मेरा थोड़ा बताइए क्या चीज आप बताया भागवत में स्वयं भगवान भागवत द्वादश अंग है, भागवत है द्वादश स्कंद, भगवान का द्वादश अंग है, आप भगवान बताया किंतु आप तो धूप ले जाते हो भागवत ऊपर लिखा है भगवान को तो अच्छा लगता है। व्यासदेव ने बताया भागवत ने बताया जैसा गंगा ने किसी जन्म पितर में आते जैसा गंगा ने तीन जगह को पवित्र करता स्वर्ग मध्य पाताल, ऐसा भागवत कथा भी तीन लोग पवित्र करता है वो गंगा समान है। जो व्यक्ति भागवत कथा बोलता है उसका मुख गंगा समान है। उन लोग को आश्चर्य का प्रणाम किया, मैं तो इतना पता नहीं था, आपको धन्यवाद प्रणाम किया चला गया। दूसरा दिन आया तो पीछे नहीं बैठकर सामने बैठे गए व्यासदेव ने कथा बोलते बोलते जैसे हमारा गुरुजी बोलते हैं बीच बीच में निताई गौरवारंभे हरि हरि जैसा हरिहर गौर बोला उसे मुख व्यास का मुख खुल जाता। वो व्यक्ति ने कमर में कुछ पूरा रखा था कागज का पुलिया खोला उसका मुंह पर फेंक दिया। महात्मा जी मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ कलकत्ता जाऊंगा, कहाँ हरिद्वार जाऊंगा गंगा के लिए। मैंने सुना था जो पिताजी माता जी मरने के बाद उसका जो अस्थि हाथी विसर्जन करते गंगा में, इतना दूर कहाँ जाऊंगा, आप तो काल होते आपका मुख और गंगा समान है इसीलिए अस्थि तो आपका मुख नहीं दिया। ऐसा व्यक्ति भागवत करने के लिए योग्य नहीं है। गुरु जी बोलते हैं जो भागवत करने के लिए चार दोष होता है, भगवान का भजन करने के लिए चार दोष है, कौली चार जगह में स्थान दिया गया दूतम पानम स्त्रियम सोना, वो जो दूत पानम है वो पान में आ गया नशा द्रव्य, इसलिए कौली जी में जो में था जो गुरु सिंह तपस्या द्वारा भगवान को प्राप्त किया था। और एक कारण बताया जिस समय बस वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम की जय। जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर जय गोपी जन जय 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 जय
दीनवंत जगत्पते गोपी सर्वभूतकांत श्री राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभारत सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशव सज कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतये नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब हाथ लगे उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ, कथा हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्ण कैसे गोकुल में नंद के लाला बन करके प्रभु जन्म हुए। हम लोग बता दो कृष्ण कहाँ पर जन्म हुए हैं? कौन बोलेगा हाथ उठाओ, कृष्ण कहाँ पर जन्म हुए हैं? कहाँ पर जन्म हुए? इतने दिन कौड़िया मठ का चला चली बन कर गोकुल में। कृष्ण कहाँ पर जन्म हुए? फिर मथुरा में क्या हुआ है? मथुरा में कृष्ण प्रकट हुए हैं और गोकुल में कृष्ण जन्म हुए। इसलिए कहते हैं नंद के आनंद भयो लाल। देखो एक अच्छी बात को अच्छे तरह से समझो। कल नवीन प्रभु जी बात बता रहे थे, प्रभु जी बात को बता रहे थे। इसलिए अगर कोई भागवत को डायरेक्ट पढ़ेगा सारा दुनिया को पूछो कृष्ण कहाँ पर जन्म हुए, सबके सब दुनिया कहेगा कृष्ण मथुरा में जन्म। लेकिन श्री गौड़ीय संप्रदाय महाप्रभु का लाइन में जो आए उनको पूछो कृष्ण कहाँ पर जन्म हुए हैं, कहेंगे गोकुल में जन्म हुए। अच्छे तरह से ये चीज को समझो, भले जन्म और प्रकट में क्या फर्क है ये चीज को दिमाग में बैठा। आप लोगों ने बच्चों को जन्म दिए, कौन कौन बच्चे जन्म दिए आप लोगों ने दिए? आप देखना बच्चे को जब जन्म देते हो उसको साथ में नाड़ी जुड़ी हुई रहती है वो नाड़ी काटी जाती है। इसलिए हमारे बड़े गुरु जी कहते थे कोई भी ब्रजवासी कभी भी नहीं बोलेगा कृष्ण मथुरा में जन्म हुए। क्यों? बोले जो ब्रज की बड़ी बुरी गोपियाँ हैं जब हम अपना आँखों से देखो कन्हैया मैया जसोदा की गोद गोप से जन्म हुए और अपना हाथों से हमने नाड़ी काटी है, हमने अपना हाथों से नाड़ी काटी है, फिर हम कैसे मान सकते हैं कृष्ण मथुरा में जन्म हुए हैं? और एक बात है, एक जो दान होता है ना, जब बच्चे को दान दे जन्म देते हैं वो नाड़ी कटने से पहले जो दान है ये दान को सबसे श्रेष्ठ दान माना जाता है। जब कृष्ण जन्म हुए नंद बाबा आए और लाला का मुख दर्शन करके इतने खुश हुए, इतने प्रसन्न हुए, इतने कठोर तपस्या के बाद में जीवन में पहला बार मैंने लाला को मुख दर्शन किया, इतने प्रसन्न हुए
और नाड़ी कटने से पहले जो दान इसको सबसे बड़ी दान मानी जाती है। उन्होंने नाड़ी कटने से पहले उन्होंने बोले मैं 20 लाख गैया के दान को संकल्प लिया और 7 तील की पर्वत को हम ब्राह्मण संतों का दान को उन्होंने संकल्प ग्रहण किया। उसको बाद में जान करके नाड़ी कटी है लेकिन मथुरा में जन्म नहीं हुई प्रकट हुई। कैसे? श्री महादेव की गर्भधारण की गर्भधारण की हठात उन्होंने देखा उसकी गर्भ खाली हो गया और साक्षात भगवान चतुर्भुज रूप लेकर के भगवान जैसे 16 साल के बच्चे होते हैं घुंघराली घुंघराली केस चमकीले चमकीले वस्त्र पहन करके भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होते। आप बताओ आप लोगों ने बच्चे को जन्म दिए हो बच्चा कोई 16 साल में बच्चे जन्म होता है नहीं होता है इसलिए उन्होंने छठ चतुर्भुज बन गई है बन करके बोले अभी मैं छोटा बालक बन जाऊंगा और मेरे को ले जाना कहाँ गोकुल में और वहाँ एक लड़की जन्म हुई और वो लड़की ले आई। भगवान स्वयं ये बात बताई ठाकुर जी बताए अभी गोकुल में मैया यशोदा ने 2 बच्चे को जन्म दिया पहले तो कृष्ण को जन्म दी उसको पीछे पीछे फिर उन्होंने जोग माया को जन्म दिया। इसलिए भागवत में कहते विष्णु अनुजा मतलब भगवान की पीछे जन्म हुई जो माया इसलिए ये भगवान की छोटी बहनी ये जोग माया है हैं ये छोटी बहनी है मतलब ये कहाँ भागवत में लिखा हुआ है कृष्ण गोकुल में जन्म हुए कहीं क्या लिखा हुआ है हाँ बहुत सारी जगह पर भागवत में ये लिखा हुआ है बोले कहाँ कहाँ पर है बोले जो गोपी की जिनको तुम लोग को ना ये चीज को याद रखनी चाहिए जैसे नहीं केवल बैठ बैठ करके 1000 बार सुन लिया दिखती याद है इसलिए देखो मैं 2-4 जगह का श्लोक बताता हूँ कौन कौन ये बात को कह रहे हैं। जब कृष्ण रासों से अंदर ध्यान हो गए जब गोपियों ने कृष्ण को ढूंढते ढूंढते नहीं मिले कृष्ण बोले चलो हम सबके सब जमुना किनारा में बैठ करके हम कीर्तन गाएंगे क्योंकि कृष्ण को कीर्तन बहुत प्यारा है। भगवान खूब कहते हैं मैं जोगियों का हृदय में नहीं रहता हूँ मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ कहाँ रहता हूँ बोले जहाँ पर मेरे भक्त जन मेरे कीर्तन करते हैं मैं वहीं रहता हूँ चलो हम सबके सब बैठ कर के कीर्तन गाएंगे। इसलिए उन लोगों ने गोपी गीत गाए हैं कि गोपी गीत का जो पहला श्लोक है वो क्या है बोले जयती देविका जन्मना प्रजा ब्रह्मा ब्रह्मा कौन है
हमारे आदि हो, ब्रह्मा जी से हम आए हैं, ब्रह्मा जी से श्री नारद जी, नारद से व्यास, ऐसे होते होते हम आए। ब्रह्मा जी जब ब्रह्मा की बछड़ सखाओं को चोरी की, वो सोच रहे थे कोई ग्वाल वाल होगा, सखाओं के साथ में खेल कूद रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने कृष्ण की बछड़े और सखाओं को चोरी करके गुफा में बंद कर दिया और चले गए ब्रह्मलोक में, और ब्रह्मलोक जाने से पहले कृष्ण ही ब्रह्मा बन करके वो ब्रह्मा की गद्दी पर बैठ गए। जब ब्रह्मा जी स्वयं गए, कृष्ण बोल दिया, देखो मेरे जैसे कुछ बहु रूपिया को भी घूमते हुए देखा, मेरे जैसे कोई आएगा तो उसने मत देना, भगवान ही उसका आसन पर बैठे। जब ब्रह्मा गए, उनका जो नौकर लोग थे ना, डंडे लेकर के मारने के लिए दौड़े, बोले तू कहाँ से आ गया, हमारे प्रभु तो अंदर में बैठे, तू कहाँ से आ गया। ब्रह्मा देखा, भैया अरे ब्रह्मा गति को दखल किसने कर लिया, ध्यान लगा कर देखा ना, उनका प्रभु ही बैठ गए, ब्रह्मा की गति पर प्रभु बैठ गए, उनको आश्रय को दखल कर लिए। फिर उन्होंने वहां से भगे गए और आए, और गए और आते आते यहाँ पर हो गया एक साल। फिर एक साल के बाद में जब आए, देखा कृष्ण जैसे एक साल में लीला कर रहे थे, अभी भी वैसे लीला कर रहे थे, फिर चक्कर में पड़ गए, बोले मैंने तो उनको गुफा में बंद करके रख दिया, यहाँ कैसे आ गए। फिर उन्होंने जब देखा दोनों तरफ में भगवान दिखाया, देखो ये बछड़े सखा कौन है, जितने बछड़े सखा सब चतुर्भुज चतुर्भुजधारी नारायण नारायण नारायण। बोले भैया तो करोड़ों करोड़ नारायण है, मैं तो एक नारायण का नाभि कमल से मेरा जन्म, यहाँ तो नारायण नारायण करोड़ों करोड़ नारायण। फिर तो समझ गए कृष्ण कौन है, मेरे बाप का बाप का बाप का ये बाप है, ये मेरे बाप की बाप है। खैर ब्रह्मा जी भगवान के चरण को नीचे गिर पड़े, अपना आंखों से आंसुओं से ब्रह्म का चरण को उन्होंने अभिषेक किया, और उन्हें आंख को मलते मलते खड़े हुए फिर भगवान को स्तुति करते हैं। वो स्तुति का जो पहला श्लोक है, बोले नवो मिट्यते अप्रभो से तैतं पराय कुञ्जावतंस परिपी चल सद्मुखाय। ब्रह्मा जी कहते बोले हे प्रभु, बोले नवो मिट्यते, बोले हे प्रभु आप कौन हो, आप मेरे प्रभु हो, मेरे प्रभु हो। मिट्यते कहते अप्रभु से, बोले भगवान के वस्त्र कैसे हैं, बोले एकदम पीले रंग के प्रभु का वस्त्र है। बोले भगवान पीले रंग के वस्त्र क्यों पहनते, क्यों पहनते, क्योंकि राधा रानी का जो अंग कांति है ना पीला रंग, इसलिए कृष्ण राधा जी के प्रति प्रेम को प्रकट करते हैं। और राधा रानी का साड़ी का कौन सा रंग है, कौन सा, नीला। कहता नील वसना गौरी रूपे तुमने धन्या, बोले वो नील वस्त्र क्यों धारण करती है, क्योंकि कृष्ण का रंग नील है, मतलब दोनों दोनों का प्रति प्रेम को प्रकट कर रहे हैं। ये बोले नवो मिट्यते अप्रभु से बोले तड़ितं पराय, एक तो पीला वस्त्र पहने हुए कैसे, जैसे आकाश में मेघ छाया हुआ है, अगर मेघ छाया हुआ हो, अगर उसमें जैसे बिजली चमके ना, उसका और भी स्वभाव हो जाता है। कृष्ण का रंग कैसे है, जैसे मेघ है, एकदम मेघ जैसे रंग है। और उनका पीला वस्त्र कैसे है, जैसे ठाकुर जी की शरीर में राधा रानी रूपी बिजली चमक रही है, बिजली चमक रही है, और आकाश में जो बिजली चमकती है, लेकिन चमक करके तो अंतर खत्म हो जाती है, लेकिन कृष्ण का शरीर भी कहते जो पिता पर एकदम स्थिर विद्युत, वो कहीं खत्म नहीं हो जाते हैं, हर समय के लिए उनके शरीर में विद्यमान। इसलिए ना वो मिट्यते अप्रभु से तड़ितंबराय, बोले गुंजाब तस परिपीछ लसत मुखाय। बोले भगवान की जो कान में जो कुंडल है, गले में जो माला, कर किस चीज की, बोले गुंजा माला। जानते हो गुंजा माला क्या होता है, जानते हो गुंजा माला, देखना वो इतने छोटे छोटे जंगल में फल होता है, उसको पूरा लाल लाल होता है, लेकिन उसको ऊपर में थोड़े से काला रहता है, वो गुंजा माला है।
यदि भगवान की कर्ण भूषण गले में माला की स्थिति की, बोले गुंजा माला, बोले क्यों ये माला क्यों धारण करते हैं? यदि जो माला है ना जंगल में अपने आप मिल जाता है, इसलिए भगवान शिक्षा देते हैं, भैया मेरे को प्रसन्न करने के लिए, मेरे को खुश करने के लिए ऐसे नहीं, बहुत सारी कीमती चीज मेरे को दो, मैं खुश होगा, ऐसे नहीं। मैं तो केवल प्रेम की भूखा, मैं केवल प्रेम की ही भूखा हूँ। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम द्वयम। भगवान गीता में चार चीज का नाम लिया है, किसका किसका, बोले पत्ता का नाम लिया, फल का नाम लिया, फूल का नाम लिया और पानी का, उन्होंने चार चीज का नाम लिया। अगर चार चीज में कोई एक चीज भी मेरे को खुश होकर के दे दे ना, मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। लेकिन ये प्रेम से देनी चाहिए, भगवान को प्रेम से देनी चाहिए। और जो चीज बिना पैसा का मिलता है, मतलब कोई जरूरत नहीं, बहुत कीमती चीज दो, फिर मैं खुश होता, मैं खुश होता, इसलिए। लेकिन तुम्हारी प्रेम चाहिए, बोले पत्र, भगवान को पता किसने दिया, कहते श्री विदुर, हाँ कहते ना, दुर्योधन के व्यवहार के आगे सात विदुर कर खाई, सबसे ऊंची, सबसे ऊंची, इसलिए पत्र पुष्पम, भगवान को फूल किसने दिया है, कहते श्री गजराज, जब मगरमच्छ उनको पकड़ा, खेसते खेसते अंदर में ले जा रहा है, इतने में उन्होंने एक फूल को लेकर के ठाकुर का अर्पण कर दिया, बस ठाकुर जी हाथी को उधार किया। पत्रम पुष्पम फलम, फल किसने दिया है, सबरी के झूठा पैर खाए, बहु विध स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरे कृष्णा, वो गेट के पास में कोई मत बैठ, किधर किधर आगे बैठ जाओ, हरे कृष्ण, आप लोग थोड़ी थोड़ी आगे आ जाओगे, हरे कृष्ण, थोड़ी थोड़ी आगे आ जाओ, कोई खिसकने रहे, बर्फ जैसे जम 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 के, एक एक माता, एक दो तो माता और जगह धक लग रही है, जैसे पास में कोई बैठे, हरे कृष्ण, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। बोले नौ मिटते अभ्र प्रभु से तड़िदाम्बराय, इसलिए भगवान सर पर मोर पंख लगाते हैं। बोले मोर पंख लगाते क्यों, क्यों लगाते हैं, हर साल में बताता हूँ, याद है कौन कौन बोलेगा बताओ, तो एक कारण भी बोलो, राधा रानी की नाम, और क्या कारण है, और किसको याद है, बोलो हाँ, और ब्रह्मचारी है, और कौन क्या बोलेगा, बोला वो हो गया ब्रह्मचारी, दो हो गया, और बोलो कौन बोलेगा, कौन बोलेगा, बोलो दो कारण हो गया, और किस, हर साल बोलता सब भूल गए बता, इसलिए भगवान मयूर पंख लगाते हैं। उसका पांच कारण बताया, मैं आज बताऊंगा फिर कल आपसे सुनूंगा, ऐसे नहीं कथा में बैठ गए कोई, यहाँ कथा कथा हो तुम भी खत्म हो जाए, नहीं ठीक है। इसलिए उसका पहला कारण है मयूर पंख में राधा जी का नाम लिखा हुआ, इसलिए धारण करते हैं। दूसरा कारण है मयूर ब्रह्मचारी, इसलिए धारण करते हैं। तीसरा कारण है कभी श्री राधा रानी कभी मयूरी बनी है, इसलिए आप लोग कभी बरसाना में जाओ, गंगोर बन की परिक्रमा लगाओ, वहां पर एक मयूर कुंड देखोगे, जहां पर श्री राधा रानी मयूर बनी बनी, कृष्ण भी मयूर बने थे, दोनों नृत्य किया था, इसलिए राधा जी की स्मरण करने के लिए मयूर पंख लगाते हैं। तीसरा कारण बोले, चौथा कारण बोले, कभी मयूर कब नृत्य करता है, वो तभी नृत्य करेगा जो आकाश में काला मेघ छा जाए और आवाज बिजली चमकने लग जाए, तभी देखना मयूर बड़े सुंदर पंख खोल करके नृत्य करता है। एक समय कृष्ण ने बंसुरी बजाई, कृष्ण का शरीर का रंग कैसे, बोले मेघ जैसे, पीताम्बर कैसे, जैसे बिजली चमक रही थी, बंसुरी की आवाज जैसे गड़गड़गड़गड़गड़ शब्द हो रहा है, बाज मोर तो पंख खोल करके नाचना शुरू कर दिया। अब देखना जब कोई व्यक्ति नृत्य करता है ना, वो खुश हो जाता है,
100 तक खुश हो जाता है। अब देखना जब कोई व्यक्ति नृत्य करता है हम क्या करते हैं, पैसा लेकर घुमा घुमा करके उसको मौछा भर देते हैं। अभी मोर तो बड़े प्रसन्न होकर नृत्य की, बोले तो भैया कृष्ण को तो कुछ देनी चाहिए लेकिन मेरे पास में तो कुछ है ही नहीं, अपना पद है। इतने में मयूर ने अपना पद को छाट दिया और उससे एक पंख गिर पड़ा और वह प्रेम का उपहार है, इसलिए कृष्ण ने उठाया और सर पर लगा दिया। यदि इसकी चौथा कारण हो गया, बोले पंचमा कारण क्या है, बोले कृष्ण एक समय जा रहे थे, जाते जाते देखा कि मौर पंख रास्ता को ऊपर में गिरा हुआ। पंख ने कहा कन्हैया मैंने जिसको पीछे लगा हुआ था उसने देख मेरे को छोड़ दिया, मैं कैसे मेन रोड में पड़ा हुआ, मेरे को कोई पूछने वाले नहीं। बोले चिंता मत करो, दुनिया में किसी को जो नहीं पूछते है ना, पूछने वाला मैं हूँ। इतने में कृष्ण मयूर पंख उठाए अपना अपना सर पर लगा दी है। यदि ये सब कारण है भगवान क्यों मयूर पंख को ठाकुर जी क्यों धारण करते हैं, इसलिए बोले गुंजाब तन सफरी बीच लसत मुकाय, बोले वन्य सृजे, बोले भगवान किस चीज को बड़ा श्रृंगार करते हैं। जब जब भी कृष्ण द्वारका में भगवान की बड़ी सुंदर श्रृंगार होता है, वैकुंठ में भगवान के सोने चांदी हीरे जवाहरात से श्रृंगार होती है, लेकिन जब कृष्ण वृंदावन में रहते हैं गोपियां इनको सुंदर निकुंज में बैठा करके फूलों के श्रृंगार श्रृंगार करते हैं, सुंदर सुंदर कोमल कोमल पत्ते लगा देते हैं, गिरिराज से गौरी की रंग से तिलक लगा देते हैं। वृंदावन कभी गली समय पे जाना, अब देखना बाकी भी है राधा वल्लभ से केवल फूलों की कली से ठाकुर जी के वस्त्र बनते हैं, चोटी वस्त्र कपड़े सब के सब बेली फूल की कली से बनी हुई होती है। कम से कम 15-16 व्यक्ति 8-10 घंटा तक लगे तब तक ठाकुर का श्रृंगार हो पाता है ऐसे फूलों की कली से। और जब गोलोक वृंदावन में गोपियां ठाकुर जी को निकुंज में बैठा करके सुंदर फूलों से ठाकुर का श्रृंगार करते हैं, भगवान कहते हैं सबसे प्यारा श्रृंगार मैंने किया है जब किसी फूलों की कली से जब मेरे को कोई श्रृंगार करे, फूलों का श्रृंगार सबसे बेस्ट श्रृंगार भगवान की। इसलिए वन्य सृजे विशाल वेणु, भगवान क्या करते हैं मीठी 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 भगवान बंसुरी बजाते हैं। बोले बंसुरी क्यों बजाते हैं, बोले बंसुरी में दो गुण हैं। कितना गुण है, दो गुण है। पहला गुण है वो बीच में खोला है एकदम खाली, भगवान सिखा देते हैं जब तू मेरे पास में आओ ना अपना हृदय को खाली करके आओ, हृदय को भर करके नहीं हृदय को खाली करके आओ, कपट को छोड़ करके मेरे पास में आया करो, हृदय को सच्चा बना करके मेरे पास में आओ। दूसरा गुण क्या है, ठाकुर जी जैसे चाहते हैं उसमें आवाज वैसे निकलती, उसका अपना कुछ नहीं। मतलब क्या, गुरु जी और वैष्णव भगवान जैसे चाहेंगे हमें वैसे चलनी चाहिए, अपना मन मर्जी चलना हमें छोड़ देनी चाहिए। ठाकुर जी जैसे हमें चलाए ऐसे ही जब चलेंगे बस हम भी बजने लग जाएंगे, हम भी बजने लग जाएंगे हैं। इसलिए कभी कभी राधा रानी कहती हैं अगले जीवन में और मैं राधा ही नहीं बन करके आऊंगी, आऊंगी तो ये बंसुरी बन करके। बोले क्यों, बोले देखो हम कृष्ण गोप और हम गोपी हैं और कृष्ण के अधरा वृत्त में तो हमारी अधिकार, लेकिन ये बंसुरी हमें अंगूठा दिखा दिखा करके जब कृष्ण बंसुरी बजाते हैं ना सारे रस को तो यही चूस रहा है। कृष्ण का अधर इतने सुंदर बिंबम फल दे से, लेकिन ये बंसुरी सारे रस को चूस चूस करके कृष्ण का अधर को देखो कैसे नीला पड़ गया, मतलब सारे रस ही चूस लिया, कभी अधर में कभी कमर में कभी हाथों में और कभी तो इसको त्याग नहीं देते हैं, त्याग नहीं देते। कृष्ण जब गिरिराज को धारण किया कैसे धारण किया देखे होंगे, पूरा ऐसे एकदम स्ट्रेट खड़े होकर, लेकिन कृष्ण जब बंसुरी बजाते हैं ना देखना वो तीन जगह से टेढ़े हो जाते हैं एकदम त्रिभंग ललित रूप में बंसुरी बजाते हैं। बोले भैया ये बंसुरी ने इसे क्या सौभाग्य की जो कृष्ण ये बंसुरी को तीन बार पास में रखते हैं और जैसे किसी राजा महाराजा की सेवा करते हैं। अब मेरे तरफ में देखो कृष्ण कैसे बंसुरी बजाते हैं ऐसे,
राधा रानी कहती है जैसे कोई राजा महाराजा की सेवा हो रही है, कृष्ण का दोनों अंगुल को ऊपर में दो अंगुल किया है जैसे डल्लभ गति है। फिर अंगुल चलाते ना बंसुरी बजाते समय, तो अंगुल चला नहीं रहे बंसुरी की चरण दबा रहे, कान में कुंडल बोले कुंडल नहीं जैसे किसी राजा की सर को ऊपर छत्र डाल रहे, आंखों का पलक छप रही है बोले पलक नहीं जैसे किसी राजा महाराज को पंखा दिला उसको पंखा दिलाते हैं। कृष्ण देखो ये बंसुरी की कितने सौभाग्य दे रहे हैं, अगले जीवन में और राधा ही नहीं बन करके आऊंगी, आऊंगी तब मैं ये बांसुरी बन करके आऊंगी। फिर कृष्ण हमें हर समय पास करके, किसने कहा जब तू बंसुरी बन करके आओगी क्या कृष्ण को याद रहेगा तुम वही राधा बंसुरी बन करके आए, बोले क्यों नहीं याद आ रहे, वो तो सब जानते गड़गड़वासी उनका तो जरूर याद आ रहे आएगी, वो हमें छोड़ कर कहीं नहीं जाएंगे है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं ब्रह्मा जी फिर कृष्ण कौन है, बोले वसुपांत जाय, वसु का मतलब जो गैया को चराने वाले, बोले कौन है श्री नंद बाबा जो गैया चराते हैं, बोले उनकी अंग से जो प्रकट हुए हैं ये कौन है, ये श्री नंद के श्री लाला है, श्री नंद लाला बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की बात को कौन कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कृष्ण कौन है नंद लाला है। ये दो दो प्रमाण हो गया, बोले तीसरा प्रमाण बोले जब श्री गर्गाचार्य जी गोकुल में आए नंद बाबा के घर में, बोले नंद बाबा तो बड़े प्रसन्न हो गए, बोले मेरे अहो भाग्य है आज घर में संत आए हैं और संतों की चरण धूलि आज घर में पड़ा, अभी घर में सत्संग और हरि कीर्तन हो। तब श्री नंद बाबा कहते हैं जब तक हमारी घर में साधु लोग नहीं आए, जब तक घर में साधुओं का चरण धूलि नहीं पड़े, जब तक घर में हरि कीर्तन नहीं हो, जब तक घर में हरि की चर्चा नहीं हो, भगवान की कीर्तन भजन नहीं होना, बोले तब तक ये घर का पवित्रता नहीं होता, वो घर पवित्र नहीं है, है? वो अपवित्र रहता है। लेकिन संतों की चरण धूलि और उनकी कीर्तन हो गया तो घर नहीं, यदि वो घर भगवान के धाम हो गया, भगवान की गोलोक वृंदावन वो घर हो जाता है। नंद बाबा बोले अहो भाग्य है आज मेरे घर में संत आए हैं, बोले थोड़ी मेरे लाला का थोड़ा नामकरण कर दो, जब बोले नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जो बोले प्रसन्न हो बोले भैया तो इसलिए आया। फिर उन्होंने उनके नामकरण करते करते कह रहे बोले नंद बाबा तुम्हारा भी जो लाला है ना ये हर युग युग में आता है, बोले आसन करना स्त्रय जस्य गृह्णोत अनुजुगं तनु शुक्ल रक्तस्तथा पीत इदानी कृष्ण दंगल, यदि सत्य युग में तुम्हारा लाला शुक्ल वर्ण धारण करके आएगा हंसा बता रहे, त्रेता युग में भगवान रक्त अवतार में आए थे और जब कलियुग आएगा ना तुम्हारा लाला श्री नवद्वीप धार में श्री सच्चिदानंद गौर हरि बन करके आएंगे और सर्वत्र हरि कीर्तन प्रचार करेंगे, हैं गली गलियों में शहर शहर में भगवान के नाम गूंजेगा, सबके सब लोग हाथ उठा करके हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 राम। और एक बार सुबह हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम राम। हम लोग क्या करते हैं ना जिसको जिसको भगवान बोल करके भागने लग जाते हैं, अमुक भगवान अमुक भगवान अमुक भगवान नहीं, अगर यहाँ मोदी आए ना अगर बड़ो तो में मोदी आएगा ऐसे मोदी आ जाएगा, पहले पुलिस फोर्स आ जाएगा, वो न्यूज पेपर में अनाउंसमेंट हो जाएगा, टीवी में आएगा अमुक प्लेन में अमुक स्थान पर श्री मोदी उतर करके अमुक जगह पर आएगा, लेकिन पहले उसके लिए कितने तैयार है,
एक भारत का प्रधानमंत्री के लिए इतना तैयारी, अगर वो गोलोक वृंदावन से अच्छे तरह से समझो इस चीज को, इसलिए गोलोक वृंदावन से कोई भगवान आएंगे कैसे आ जाएंगे? नहीं, पहले हर शास्त्रों में वर्णना आएगी, वो अकेले नहीं आएंगे। बताओ कृष्ण अकेले आए थे? उनका राधा रानी आई, ललिता विशाखा आए, नंद जसोदा आए, देवकी वसुदेव आए। और कृष्ण कहाँ पर जन्म हुए? गोकुल में जन्म हुए। उनका नंदगांव धाम है, बरसाना धाम है कि नहीं? है कि नहीं? भगवान राम ऐसे आ गए थे? कहाँ पर जन्म हुए प्रभु राम? अयोध्या। क्या अयोध्या में राम अकेले आए थे? कौन आए थे? दशरथ महाराज, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा हैं, सुमंता आए, लक्ष्मण आए, भरत आए, शत्रुघ्न आए, मैया सीता आई है, मांडवी, शुद्ध कीर्ति, उर्मिला, ये आई कि नहीं? जनक महाराज ऐसे नहीं आ गए? ये चीज को आप लोग अच्छे तरह से समझो। जिसको जिसको भगवान मत समझो, भगवान कोई बूढ़े नहीं होते, भगवान कोई मरते नहीं, भगवान का कभी दाढ़ी नहीं होता है, भगवान की दाढ़ी नहीं होता है। आप देखो भगवान कृष्ण का कहीं मूर्ति देखो, भगवान राम का कहीं मूर्ति देखो, उनको दाढ़ी मोच है भगवान की? भगवान राम भरे ही पूरा अयोध्या वासियों को लेकर के अपना सामने दाम गए, केवल एक व्यक्ति को छोड़ करके सबको लेकर गए। एक व्यक्ति किसको छोड़े? हनुमान जी को। बोले क्यों? बोले भविष्य में राम भक्ति को प्रचार करें। कृष्ण भी जाते समय वो तोते को छोड़ कर गए, ये सुखदेव गोस्वामी को छोड़ कर गए। बोले क्यों? भविष्य में भागवत कथा सुनाएगा, मेरी कथा प्रचार करेगा है। उसी तरह भगवान धाम को साथ में आते हैं और परिकरों को साथ में आते हैं और परिकरों को लेकर के जाते हैं। देखो भागवत एकादश स्कंद में वहां पर नैमित्तिक, आप लोग ये चीज को अच्छा तरह से समझो, ऐसे नहीं, इस चीज को प्रचार भी करनी चाहिए। भागवत में नैमि नव जोगेंद्र संवाद है। एक समय श्री नैमि महाराज के दरबार में बहुत बड़े बड़े नव संत आए, कपि, हवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, विपुल आए, बड़े बड़े नव जोगेंद्र, बड़े बड़े ऋषि लोग आए। नैमि महाराज नौ को उन्होंने नौ प्रश्न किया था है? उसमें एक ऋषि को उन्होंने प्रश्न किया, कलयुग में भगवान कौन है? ये कब की कथा जानते हो? कितना दिन पहले का बात? सत्ययुग में करोड़ों साल पहले की घटना है, करोड़ों साल पहले। एक प्रश्न है कलयुग में भगवान कौन, और वो भगवान को हम किस रूप में आराधना करेंगे? आप कृपा करके बताओ। वो सत्य युग में कह रहे हैं, बोले कृष्णा वर्णम तिसाम अकृष्णा, हो सकते हैं इसको को भी याद करें। एकादश किसको किसको याद है? इसको एक को भी कोई याद है? तुम्हें याद है पंडित जी? नहीं, क्यों याद है? इतने बूढ़े हो गए सब, तुम्हें याद है? बताओ उस लोग। ये श्लोक, इसको जो मैंने मैंने श्लोक है ना, सबको याद करनी चाहिए, क्योंकि जब कोई चीज को आप प्रूव करोगे, प्रमाण दोगे, तुम्हारी मनमानी चीज नहीं चलेगी। हमारी गीता क्या कहता है, वेद क्या कहता है, उपनिषद क्या कहता है, रामायण क्या कहता है, यहाँ से आपको प्रमाण देना पड़ेगा, तभी वो चीज को मान्यता मानी जाएगी, नहीं तो उस चीज को मान्यता नहीं है। मैं कह रहा हूँ, तू कौन होता है बोलने वाला? भगवान क्या कहते को बताओ, हमारे भागवत वेद क्या कहता है, ये बात को बताओ, तुम है कौन? तुम्हारी बात को मानी जाएगी, समझ रहे कि नहीं? इसलिए कहते सकल प्रमाण विवेक पुराण वचन, जब कोई चीज को प्रमाण देते हो शास्त्र से कोटेशन करके बताओ शास्त्र क्या कहता है, है? इसलिए ये भागवत का एकादश स्कंद की श्लोक है, बोले कृष्णा वर्णम, जो कृष्ण जो ये दो अक्षर है जिसकी जुआ में हर समय जो कृष्ण का नाम सब समय उच्चारण कर रहे हैं, वो आकर के बोलेगा नहीं मैं भगवान मेरी पूजा कर, मेरी पूजा कर, नहीं, वो आकर के भगवान की भक्ति की जांचन करेंगे हर समय जिसकी जुआ में, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। इसलिए जिनको जुहा में हर समय प्रभु का
बोले तिसाम अकृष्णा, कहते उनका जो शरीर का रंग कैसे होगा? बोले काला नहीं, आ मतलब नहीं, कृष्ण मतलब काले, वो काले नहीं गोरे बन करके आएंगे। इसलिए कल हम लोग सुन रहे थे ना, जब श्री कृष्ण कलयुग में आए उन्होंने राधा रानी से दो चीज की उधार ली। क्या क्या दो चीज उधार ली थी? अंगकांति और उनकी भाव। इसलिए देखना भगवान की जितने भी अवतार सब काले, सब राम कृष्ण बामन पर जितने देखोगे ना सबके सब काले रहते, श्याम रहेंगे, लेकिन केवल एक ही अवतार श्री महाप्रभु जो गौरव अवतार। बोले क्यों? क्योंकि राधा जी की अंगकांति और राधा जी की भाव को जगत में लेकर के आए, कृष्ण भक्ति रस को आस्वादन करने के लिए। वो कृष्ण होते हुए भी बोले उनका जो अंग का रंग होगा ना वो गोरे बनेंगे। बोले क्या अकेले आएंगे? बोले नहीं, वो अकेले नहीं आते, वो दाऊ भैया के साथ में आएंगे। सिर्फ जैसे कृष्ण के साथ में दाऊ भैया आए थे, बोले दाऊ भैया कौन है? बोले श्री नित्यानंद प्रभु। और उनको जो सदासी स्वयं महाविष्णु सदासी श्री अद्वैत आचार्य, और उनकी शक्ति भी आएगी, गदाधर पंडित राधा रानी भी आएगी, और श्री नारद जी को साथ में कलयुग में श्री नारद जी के रूप में आएंगे, श्री वास पंडित बन करके आएंगे। बोले भैया उनके अस्त्र क्या होगा? जैसे रामावतार में अस्त्र क्या था? धनुष। द्वापर युग में कृष्ण का अस्त्र क्या था? चक्र। बोले कलयुग में उनका अस्त्र क्या होगा? हरिनाम संकीर्तन अस्त्र होगा। बोले भैया अस्त्र संकीर्तन कैसे अस्त्र है? जैसे धनुष चक्र तो ठीक है, ये हरिनाम अस्त्र कैसे? बोले ये कलयुग में ये बड़े दया, राधा रानी बड़ी दया, कृष्ण तो मारे, आपने कभी सुना राधा रानी किसको मारी है? राधा रानी किसको मारे आपने सुना? नहीं मारे तो कौन मारे? कृष्ण राम मारे। भैया सीता किसको मारे? नहीं, ये माँ है ना, ये माँ है। इसलिए आप वृंदावन में जाओ, इसलिए किसी को कृष्ण कृष्ण बोलते हुए नहीं मिलेगा। क्या बोलते हैं वृंदावन? जोर से बोला, गोपियों को मुंह से बोली नहीं निकल रही, जोर से बोला। इसलिए वृंदावन में श्री सबके सब श्री राधा जी के नाम ग्रहण करते। बोले क्यों? बोले करुणा गुरुमयी करुणा भरिते, राधा रानी बड़ी दयालु। इसलिए बोले वैदग्ध सिंधु रनुराकर सिंधु वात्सल्य सिंधु लावण्य सिंधु रस सिंधु श्री राधिके स्फुरत में रस गैली सिंधु। जैसे सात समुद्र है राधा जी के अंदर में भी, ये सारे समुद्र करुणा की समुद्र, कृपा की समुद्र, अमृत की समुद्र, वात्सल्य की समुद्र, वैदग्ध की समुद्र, रस की समुद्र, राधा रानी में सारे रस ही रस है। इसलिए राधा रानी जैसे अंगूर का दाना दबाव ना केवल रसी रस है, उसी तरह राधा रानी भी पूरा रसी रस है। इसलिए राधा शब्द को उल्टा तो क्या होगा बताओ? इसलिए ये राधा नहीं, ये कृष्ण प्रेम रस की ये श्रीमती धारा है। कृष्ण प्रेम रस जहाँ पर प्रवाहित तो हो रही है श्रीमती राधा रानी। इसलिए चुके कलयुग में वो श्री राधा जी के भाव अवतार को लेकर के आएंगे। इसलिए किसी को ऊपर से मारेंगे नहीं, लेकिन अंदर से मारते। हमारे बहुत बड़े बड़े शत्रु है, ऊपर से कृष्ण राम को ऊपर का शत्रु को मारे, लेकिन महाप्रभु अंदर का शत्रु को मारेंगे। हमारे हृदय में जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य है, जो बड़े बड़े सब राक्षस बैठे हुए, वो उनको मारेंगे कलयुग में आकर के, उनको मारेंगे। बोले कैसे मारेंगे? बोले यज्ञ संकीर्तन प्रायणी जगती सुने दस। इसलिए कल कहते कलयुग में जो बुद्धिमान होएगा, कलयुग में बड़ी जो चतुर बुद्धिमान होएगा, कलयुग में भगवान को आराधना कैसे करेगा? बोले यज्ञ संकीर्तन प्रायणी। कलयुग में जो सबसे बड़ा जो यज्ञ है ये हरिनाम कीर्तन, हरि नाम कीर्तन यही कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ है। इसलिए जब हरि नाम कीर्तन कर लो क्या होगा? तुम्हारी हृदय में जो काम क्रोध रूपी राक्षस बैठे हुए सब के सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए महाप्रभु बोले चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाद में कृपा प्रभु। जब भगवान के नाम ग्रहण करोगे हृदय में जो काम क्रोध सब के सब खत्म हो जाएगा।
हृदय की कुमुद निकल जाएगी, जीवन धन्य हो जाएगा, प्रति पद कदमे नई नई आनंद की तुमकी अनुभूति होगी। एक्चुअली ऐसे आएगा कृष्ण भक्ति रस में पूरा पूरा सराबोर हो जाओगे, पूरा पूरा उसमें डूब जाओगे, ठीक है ना। इसलिए कलयुग में सबसे बड़ा अस्त्र क्या है, कलयुग में हरिनाम ही अस्त्र है। इसको द्वारा उन्होंने सबके हृदय को, क्योंकि राधा रानी है ना बड़ी दया की है, वो किसको मारेगी नहीं, लेकिन अंदर अंदर में काम क्रोध को मार देगी, लेकिन ऊपर से नहीं मारेगी। इसलिए यहाँ पर कलयुग में जो भगवान आएंगे, ये सप्तयुग में ये बात बता रहे हैं, और द्वापर युग में भी गर्गाचार्य कह रहे हैं ये कलयुग में आकर के सब तो हरिनाम कीर्तन प्रदान करेंगे, और ये हरि कीर्तन को सर्वत्र प्रचार करेंगे। लेकिन वही कृष्ण अभी कलयुग में किस रूप में आए हैं, बल गीता ने कृष्ण नाम को अभी वो कृष्ण बन गए हैं। इसलिए बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बस नंद के लाला की जय जय श्री राधे। इसलिए गर्गाचार्य कहते हैं उचित वासुदेवस्य, कहते तुम्हारे जो बेटा है ना कभी वसुदेव का भी लाला बला, लेकिन बेटा किसका है, बेटा तुम्हारा है, ये आत्मा जो तुम्हारी है, लेकिन उचित जात तबात था जो तुम्हारी बेटा कभी वसुदेव का भी लाला बना है, इसलिए उसका एक नाम वासुदेव भी होगा, लेकिन लाला किसका, बोले लाला तुम्हारा। बोले श्री सुखदेव गोस्वामी जिस समय नंद उत्सव को वर्णना कर रहे हैं, ये भागवत का नंद उत्सव 18 श्लोक में वर्णना किया, ये पहला श्लोक है। बोले नंदस्तु आत्मदज्ञाता लाभ महामना, यदि बेटा किसका, बोले नंदस्तु आत्मा नंद के लाला है, इसलिए कहते हैं ना नंद के आनंद भयो, किसका आनंद भयो, कोई कब क्या कहते कि वसुदेव का आनंद भयो, कोई कहते नहीं, किसके आनंद भयो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, प्रश्न नंद के लाला की जय जय श्री लाल। इसलिए शास्त्र में बहुत प्रमाण है कृष्ण जो नंद के लाला बन के गोकुल में, ठीक है ना। इसलिए कृष्ण कहाँ जन्म हुए, गोकुल में, मथुरा में नहीं, कहाँ पर है ये गोकुल। हमारे से जोड़ीलाल प्रभु जी आपको एक भजन सुनाएंगे, आप कौन सा भजन सुना, सौंदर्य रसिया से है भी मेरी आई बोलना, और जय जय श्री राम। अरे और तो भजन उसको तुम बोल रहे, अरे और एक भजन बोल रहा था जो दही मेरी दही की मंडी पे लेंगे ना, उसको डालो हमारे एक प्रसंग नहीं आया अभी, चल ठीक है वो प्रसंग आएगा ही। Yeah.
थोड़ा सा छोड़ निकाल दो। ठीक है, जय जय श्री राधे। क्या क्या लुबान अलवेली है, राज राज चले मस्ते जो तेरी तरफ सहज देखा, अनमोल बिके सस्ते सस्ते, क्या रूप माधुरी बरकत है, बाकी चले जाओ जो बात में आ रहे हैं उनको ऊपर बैठा दो। प्रभु जी उनको जो बात में आ रहे हैं ना उनको ऊपर भेज दो। श्याम सुंदर प्रभु थोड़ा सा पीछे हो जाए ना, थोड़ा सा श्याम सुंदर प्रभु जी जो आ रहे हैं रास्ता कर दो, वो उस तरफ पीछे चले जाए। एरी मन को मेरा मन छीन लिया, हंसते हंसते कन्हैया को जब से हरी गोपी ने दर्शन किया बाबरी है। अब एक गोपी कहा कह रही है, सुनो भैया। सांवरे रसिया
Thank you.
सपने में आवे तेरा दिया आवे सपने में आवे तेरा दिया आवे सपने में आवे तेरा दिया आवे सपने में आवे मीठी मीठी गाने सुनावे मीठी मीठी गाने सुनावे मीठी मीठी गाने सुनावे मीठी मीठी गाने सुनावे जब मैं जाऊं ककोलन भाजी जब मैं जाऊं ककोलन भाजी बोल रही थी वे हमारे सामने रोपण करते हैं भक्ति लता जो बीज है वो हमारा फिर
गुरुदेव उसको रोबन करने के बाद सिंचन करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब कभी कोई फसल उगाते हैं तो फसल अच्छी उगती है तो कुछ भेड़ बकरियां उसको जो है खराब करने की कोशिश करती है, तो भेड़ बकरियों को बचाने के लिए उस फसल के लिए चारों तरफ बाढ़ लगा दिया जाता है, तार वगैरह बांध दिया जाता है। तो गुरु जी बताते हैं कि साधु संघ हमें जो है बाढ़ रूपी बताया गया है, कि साधु के संघ में जब हम निरंतर आते रहेंगे तो जो हमारे मन में भक्ति रूपी बीज को जो गुरुदेव ने बोया है वो खराब नहीं होगा कभी भी, वो फसल जो है सही रूप से चलती रहेगी। साधु संघ हमें जो है गलत रास्ते पर बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे, समय समय पर हमारी जो है हमें प्रेरणा दे करके समझाया करेंगे कि किस तरीके से हमें उस भक्ति जो रूपी बीज हमारे अंदर अंकुरित किया गया बोया गया है उसको सही दिशा में लेकर के जाना है। फिर हमारे गुरु ने बताया था, अभी उसको बताया था कि जो बकरी बताई गई है, बकरी जो बीज को खा रही है वो बताया वैष्णव अपराध, कि कई बार हमारे से जो है वैष्णव अपराध हो जाते हैं, इस वजह से भी हमारी भक्ति क्षीण हो जाती है। वैष्णव अपराध जैसे कि किसी वैष्णव की निंदा करना या फिर उसकी चुंगली करना। अभी बताया था सुप्रे गुरुदेव ने कि जब महाप्रभु इस धराधाम पर आए थे तो चैतन्य महाप्रभु ने सभी को जो है हरिनाम प्रदान किया था या प्रेम दिया था, लेकिन एक जन एक व्यक्ति एक ऐसा थे जिसको महाप्रभु ने जो है हरिनाम किया मतलब प्रेम दान नहीं किया था, और गुरुदेव उसको बता रहे थे कि सची माता को एक और उनकी माता जो सची थी उनको भगवान महाप्रभु ने जो है प्रेम दान नहीं किया था, क्योंकि एक बार जब वैष्णव उनसे जो है वैष्णव अपराध हो गया था, अद्वैताचार्य जो थे उनको कहते आप दो काम मतलब ले जाते हो किसी को, जो अद्वैताचार्य जब महाप्रभु को ले जा रहे थे कह रहे आप हमारे बेटे को लेकर के जा रहे हो, इस वजह से मतलब सची माता को उनके चरणों में अपराध हो गया था, तो भगवान महाप्रभु ने अपनी माता सची को भी जो है प्रेम दान नहीं दिया था। फिर हमें गुरुदेव ने बताया था कि हमें जो है सवेरे मैंने जो क्लास दिया था, देखो दो मिनट और सुन लो, ये श्री चैतन्य महाप्रभु की ये मुख निश्चित वाणी है, उन्होंने दो लाइन में समझो सारे शास्त्र का निचोड़ उन्होंने बता दिया, केवल दो लाइन में। जो दो लाइन है अभी शुभम जो बता रहा था कि जो मानव शरीर ये साधारण जन्म नहीं, क्या जैसे धूल कणा को नहीं गिर सकते हो उसी तरह जगत में इतने जीव है आप इनको गिर नहीं सकते हो, तो इसलिए जगत में जैसे धूल कणा को नहीं गिर सकते हो उसी तरह जीव को भी आप नहीं गिर सकते, उसमें भी कुछ जानवर है कुछ पेड़ पौधा है कुछ मछली है, हैं? ऐसे ही हम 84 लाख जन्म में हम भटक रहे हैं, लेकिन किसी विरल व्यक्ति को ये मानव शरीर भगवान देते हैं, जिसको भगवान राम कहते हैं देव ईस बिनु हेतु सनेही, महाभगवान कैसे कृपा करके हमें ये मानव शरीर दे दिया, कहते तुम्हारी कोई पुण्यता फर्ज नहीं मिलेगी, बोले भगवान कैसे कृपा करके तुम्हें ये मानव शरीर दे दिया। लेकिन मानव शरीर में भी ऐसे कुछ व्यक्ति है जो जैसे जंगल में अफ्रीका में रहते हैं, एकदम जंगल में कैसे कुछ लोग रहते हैं जिनको सभ्य भव्य कुछ पता नहीं, वो नंगे रहते हैं सबके साथ, उसी सभ्य के अंदर में कुछ व्यक्ति आते हैं जो कि शास्त्र को मानते हैं, कुछ लोग तो जगत में शास्त्र भास्त्र मानते हैं, अरे बोला भगवान भगवान शास्त्र भास्त्र नहीं मानते हैं, कुछ सौभाग्यवान व्यक्ति जो शास्त्र मानते हैं उसमें भी कुछ शास्त्र तो मुंह से मानते हैं लेकिन अपना आचरण में नहीं लाते, ऐसे कुछ जी फिर जो आचरण में लाते हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो कर्मों के ऊपर में बड़े विश्वास करते हैं, कर्म करो कर्म करो, बोले क्या कर्म करो, बोले जगत में अच्छे कर्म करो, बोले अच्छे कर्म करके कहाँ जाओगे, बोले स्वर्ग जाओगे, जब पुण्य खत्म होगा फिर यही आओगे, फिर ये 84 लाख जन्म में भटक कर आओ, ऐसे कर्मी को अंदर में करोड़ों करोड़ों कर्मी को अंदर में कहते एक ज्ञानी श्रेष्ठ है, ज्ञानी मतलब
जो भगवान को निराकार मानने वाले, लास्ट में ये ज्योति को उसी ब्रह्म ज्योति में हम लीन कर देंगे। हैं कई से करोड़ों करोड़ों जो ज्ञानियों में कोई विशेष सौभाग्यवान व्यक्ति होते हैं जो भगवान की भक्ति में आते हैं, ठाकुर जी की भक्ति में आते हैं, बोले वो कौन है? भगवान कहते हैं वो साधारण व्यक्ति नहीं, करोड़ों करोड़ों जन्म का सुकृति से पूर्व जन्म में जिसने भगवान की भगवान भक्तों का उद्देश्य में थोड़ी बहुत कुछ किया है, कई ठाकुर का सेवा कर लिया, कई भागवत सुन लिए, कई तुलसी परिक्रमा मंदिर परिक्रमा कर लिए, किसी साधु संतों को कुछ भोजन दे दिया है, ऐसे जो करोड़ों करोड़ों जन्म में जो किया हुआ पुण्य सुकृति से तब उसको संतों का संग मिलता है, भगवत भक्तों का दर्शन उसको मिलता है। और भगवत भक्तों से क्या करते हैं? कहते फिर भगवान के मंत्र ग्रहण करते हैं, ठाकुर जी का नाम को लेते हैं। अभी तो गुरु जी हमारी कहते हमारा जो हृदय है वो एक खेती है, गुरुदेव ने जो मंत्र दिया वो मंत्र ने इसमें बीज बो दिया। ध्यान देकर सुना, गुरु जी तो बीज बो दिया लेकिन अभी हम हो गए एक माली, अभी माली का काम किया, बोले टाइम टाइम से पानी दो, उसका रखवाली करे, उसका रखवाली करे, बोले पानी क्या है? बोले पानी है भगवान के नाम जप करना, भगवान की कथा सुनना, कहते यही पानी है, इसको पानी कहते हैं। जैसे गमला में कोई अपने के पौधा लगाया, अगर उसमें पानी नहीं दोगे तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? वो सुख दिन रात में सूख जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। इसलिए गुरुदेव ने हमें हरि नाम दे दिया, गुरुदेव से तो हमने गोपाल मंत्र ले ली, अगर उसको जप नहीं करोगे, फिर साधु का संग नहीं करोगे, भक्तों का संग नहीं करोगे, ऐसे नहीं। जब गुरु जी साथ में एक बार आए, दो बार आए, कभी आकर के दर्शन देखने को मिलते हैं, ऐसे फिर भक्ति नहीं कर सकते हो। जब 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 यहाँ पर कोई उत्सव हो, जैसे यहाँ भक्त लोग कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, तुमको आना पड़ेगा, कितना संतन के संग लागी तेरी अच्छी बनेगी, अगर उसमें पानी नहीं दोगे तो फिर क्या होगा? सूख जाएगी। सूख जाएगी मतलब क्या? गुरु जैसे तो माला लेकर चले गए, लेकिन अगर भक्तों का संग नहीं करोगे, मंदिर में नहीं आओगे, कथा नहीं सुनोगे, फिर दो दिन बाद में वो माला भी छूट जाएगी, तिलक भी छूट जाएगी, मंत्र जब भी छूट जाएगी, फिर प्रभु का भजन में रुचि नहीं आएगी। इसलिए उसमें पानी, बीच बीच में पानी उसमें देनी चाहिए। पानी मतलब होता है भक्तों का संग, मंदिर में आओ, कथा सुनो, फिर धीरे 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 जाकर के वो जाकर के धीरे से बढ़ेगी, और एक दिन वो गोलोक वृंदावन में ठाकुर जी के चरण में पहुंच जाएगा। जैसे आपने एक टिकट बनाया यहाँ से जाने के लिए, आप बम्बे जाओगे, अगर ये टिकट को पकेट में रख लोगे क्या बम्बे पहुंच जाओगे? तुम नहीं, तुमको रेलवे स्टेशन में जानी पड़ेगा, फिर अपना नंबर से अपना कोच में बैठना पड़ेगा, फिर वो ट्रेन लेकर के तुम्हें बम्बे में पहुंच जाएगी। उसी तरह गुरु जी माला ले लिया, हरिनाम ले लिया, लेकिन माला लटक रहा है, जहाँ के तहाँ लटक रहा है, चूहे उसमें घोसला कर दी। नहीं, मैंने पहले बताया था ना, जब गुरु जी से हमने हरिनाम लिया, वो हरिनाम नहीं, साक्षात भगवान हमारे पास में आए। अभी वो नाम को नियमित पूर्वक नाम को माला जप करना पड़ेगा, सवेरे उठ करके तुलसी परिक्रमा करना पड़ेगा, भगवान को भोग लगाना पड़ेगा, ठाकुर जी की कीर्तन भजन करना पड़ेगा। देखो पक्की चले वही है, अगर तुम तीन काम अगर करते हो, गले में तो कंठी होनी चाहिए। जब गुरु जी से हमने कंठी ली, अगर ये कंठी अगर टूट गई तो गुरु जी कहते थे जब तक गले में कंठी दोबारा नहीं बैठते हो तब तक पानी पीना भी पाप लगेगा, तब तक ये पानी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ पीते हैं खाते हैं ये गले में कंठी है, इसको टच करते हुए अंदर में जाता है, हैं? इसलिए अगर गला से अगर कंठी टूट गया क्या करो? उसको दो बार फिर धागा में खोलो, उसको दो भले ही दो चार दाना टूट गया कोई चिंता मत करो, उसको दो बार खो कर गले में उसको पहन लो। जब तक गले में कंठी नहीं होगा तब तक पानी पीना भी ये पाप है, याद रखो ये चीज को। गले में कंठी तुम्हारी होनी चाहिए,
दूसरी चीज तिलक होनी चाहिए। देखो वही पक्के चले हैं, ऐसे नहीं गुरु जी जब आए गुरु जी को दिखाने के लिए लंबे लंबे तिलक करके आए, और जब गुरु जी जब चले गए गुरु जी गए और तिलक खत्म नहीं। मीरा ने जब भजन की सारा दुनिया बोले दुनिया क्या बोलेगा है? सबसे बड़ा रोग क्या बोलेगा लोग, अरे दुनिया क्या जगत में ना आप जगत में किसी को खुश नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ करना वो दुनिया कुछ ना कुछ बोलेगी। देखो एक समय शंकर पार्वती नंदी के ऊपर बैठ करके जा रहे थे, एक गांव आ गया, लोगों ने कहा देखो ये बूढ़ा बूढ़ी डोकरा डोकरी हो गई शर्म नहीं, एक बूढ़े बैल ऊपर में दोनों मस्तानी और मस्त बनकर जा रहे हैं। इतने में थोड़ी दूर जब गए शंकर जी ने कहा पार्वती तुमने सुन लिया लोग क्या बोल रहे थे, एक बूढ़े बैल के ऊपर में दोनों मस्त मस्तानी बन करके बैठ करके जा रहे हैं। देखो ये काम करो तुम बैठ जाओ नंदी के ऊपर में पैदल में चलते चलते चलते, बोले ठीक है। दूसरी गांव आ गया, लोग ने कहा देखो कैसे कलयुग आ गया, ये तो मस्तानी बन करके बैल के ऊपर बैठ करके जा रही है, अब ये बूढ़े को पीछे पीछे भगाते भगाते ले जा रहे। जब वो गांव पार हो गए शंकर जी ने पार्वती बोली प्रभु देख लिया दुनिया क्या कह रहे थे, मस्तानी जैसे बैठ करके जा रही है और ये बूढ़े को भगाते भगाते पीछे ले जा रही है, इसलिए आप बैठो मैं चलते चलते चलती हूँ। तीसरी गांव आ गई, लोग फिर बोलना शुरू कर दिए बोले देखो कैसे कली जुगे ये बूढ़ा तो मस्त बन करके बैल के ऊपर जा रहा है, ये बूढ़ी को पीछे पीछे भगाते भगाते ले जा रहा है। शंकर जी बोले तुमने सुन लिया दुनिया क्या बोल रहे थे, बोले मस्त बन करके जा रहे हैं बूढ़ी को पीछे पीछे भगाते भगाते ले जा रहे हैं, एक काम करो हम दोनों चलते चलते चलते। चौथा गांव आ गया, लोग बोले देखो कैसे बेतूत है, साथ में बहन है तभी भी उसको यूज नहीं व्यवहार नहीं करके दोनों पैदल पैदल ले जा रहे हैं। जब वो गांव पार हो गया ना शंकर तो सर पकड़ कर बैठे गए, बोले हे भगवान जगत में कुछ भी क्यों नहीं करे, दुनिया को जो बोलेगा ही दुनिया छोड़ेगा नहीं, इसलिए तिलक धारण करने से लोग क्या बोलेंगे नहीं ये चीज को मत देखा करो। देखो हमारा प्रेमचंद्र को देखो, हमें सिंगल कुछ भक्त लोग हैं जब पहले हम आए ना पहले तो केवल यही हुए इतना मोटे मोटे तिलक लगा करके और हाथ में माला लेकर के यहाँ पे कोई तिलक नहीं लगाया करते, लेकिन वो तुम तिलक लगा करके पूरा कोई लाज शर्म नहीं, ये तिलक की इतने महत्व है। अब भगवान जगन्नाथ जी को देखो तिलक, बलदेव को देखो तिलक, कृष्ण को देखो तिलक, राम को देखो तिलक, हनुमान जी को देखो तिलक, भगवान श्री नारायण को देखो तिलक, सब तिलक लगाते हैं, बगैर तिलक के भगवान भी नहीं रहते, ये तिलक की इतने महिमा ये तिलक की, इसलिए दुनिया क्या बोलेगा ये चीज को मत देखो। हमारे ठाकुर जी की इसमें संतुष्ट ये चीज को देखो, दुनिया में आप किसी को भी प्रसन्न नहीं कर सकते हो, किसी को भी आप बताओ जिंदगी में दुनिया में तुम इतने परिश्रम कर रहे हो इतने काम करती हो अभी तक पति को खुश कर पाए ना, पत्नी को खुश कर पाए ना, बेटे को खुश कर पाए ना, बेटी को खुश, दुनिया में अभी तक किसको खुश कर पाए हो, कोई खुश कर पाए, कोई भी खुश नहीं कर पाए, लेकिन ये भगवान के खुश कर दो बस सारा दुनिया उसकी खुश में अपने आप खुश हो जाएगा। कहते ना जा पर कृपा हरि की होई ता पर कृपा करे सब कोई, इसलिए शास्त्र में बताया जिस जो व्यक्ति ललाट में तिलक धारण करते हैं उनकी शरीर में गंगा जमुना सरस्वती लक्ष्मी पार्वती सीता गीता सबके सब उनको शरीर में निवास करते हैं जो तिलक धारण करते हैं। तद जो केवल तिलक को दर्शन कर ले तद साक्षात भगवत दर्शन करने का फल मिलता है, अगर कोई केवल तिलक को दर्शन कर लिया तो ये तिलक की इतने महिमा इसके गले में कठी और ललाट में तिलक होनी चाहिए, जरूर तिलक धारण करा करो हैं। और तीसरी चीज ये है भगवान की माला ठाकुर जी की नाम है, इसलिए नियमित करके ये माला को नियमित करके माला को सबके सब जप करो, क्योंकि अंतिम समय में केवल यही हमारी काम में आने वाली है। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने, पायो जी मैंने।
राम रतन धन पायो, यही धन ही अंतिम समय में हमारी काम आए, ठीक है ना। इसलिए सवेरे उठकर तिलक लगाओ, गले में कंठी पहनो और भगवान की नाम को जप करनी चाहिए। आज तो राधा रानी जन्म अभी हो गई और कल है भागवत में सबसे बड़ा पूजा है, क्या है? कल श्री गिरिराज गोवर्धन की कल पूजा हो रही है। प्लस श्री गिरिराज महाराज की जोर से जयकार लगा। कल श्री गिरिराज की पूजा है क्या? इसलिए कृष्ण स्वयं कहते हैं गिरिराज के अन्नकूट में एक अन्न का दाना जो दे लगा दे, किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र का कभी अभाव नहीं पड़ता है। ये भगवान का वरदान है। इसलिए कल आप लोगों ने कुछ ना कुछ बना कर खिलाना अच्छे तरह से, शुद्ध रूप में, बगैर प्याज लहसुन के, हैं, कढ़ी चावल हो, नहीं तो हलवा हो, नहीं तो शाही पनीर हो, मटर पनीर, जो कुछ आप जो जो चीज बढ़िया बनाते हो, तुम्हारे हाथ में जो चीज बढ़िया बनता है कुछ बना कर, नहीं तो कोई फल हो, नहीं तो कोई मिठाई हो, जो तुम्हारी इच्छा कुछ ना कुछ ठाकुर जी के लिए लेकर के आओगे, ठाकुर जी को भोग लगेगा, फिर वो प्रसाद आप सबको वो प्रसाद मिलेगा। और माने जी रबड़ी, ये ब्रजवासी है ना, इनका रबड़ी खाने का बड़े हरे कृष्ण। इसलिए कल सबके सब कुछ ना कुछ बना करके, कुछ कुछ बना करके लाना ठाकुर जी के लिए, ठीक है। और जो गिरिराज कौन है, कितना सर्व अभिष्ट प्रदाता, सारी इच्छाओं को श्री गिरिराज गोवर्धन, सारी इच्छाओं को पूरी करने वाले श्री गिरिराज गोवर्धन। इसलिए गुरुदेव कहते थे जो व्यक्ति गिरिराज की परिक्रमा करते हैं, ठाकुर जी उनको पीछे 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 चलते हैं, इतना कष्ट करके मेरी परिक्रमा लगा रहा है, ये क्या मांगेगा? जो मांगते हैं वही चीज दे देते हैं। कौन कौन गिरिराज गए, कौन कौन गिरिराज गए, कोई हाथ नहीं था, गिरिराज नहीं गए। आप लोग गिरिराज में जाओगे ना, देखना वो गिरिराज के जो पत्थर शिला के ऊपर शिला रखा हुआ, जानते हो क्यों? जो व्यक्ति गिरिराज शिला के ऊपर में जितने शिला रख दे, ठाकुर जी हमें इतने मंजिले मकान चाहिए, ठाकुर जी उतना मंजिले मकान बना देते हैं ठाकुर जी, इसलिए वो गिरिराज शिला के ऊपर में शिला रखता है। देखना पेड़ पे पेड़ बंधा हुआ रखा है, उस पर धागा बंधी हुई रहती है। बोले क्यों? बोले जिनकी बेटा बेटी की शादी नहीं हो रही है, जिनकी कोई बिजनेस नहीं चल रहा है, कोई काम धंधा नहीं, बोले गिरिराज जाओ परिक्रमा करो, उनकी अभिषेक करो, ठाकुर जी सब इच्छा पूरी कर देते हैं। इसलिए गुरुदेव कहते थे दुनिया की जो वस्तु तो गिरिराज गोवर्धन आसान से लेते थे, ये संसार की वस्तु, लेकिन एक चीज जब उनको मांगते हो तो फिर सोचने लग जाते हैं उसको दू क्या नहीं दू। बोले वो क्या है? बोले उनकी सेवा, उनकी भक्ति और उनकी प्रेम, उसको भी देते हैं। बोले क्यों सहज में नहीं देते? बोले जब प्रेम भक्ति देते हैं ना, भगवान को उनका वशीभूत होना पड़ता है, इसलिए वो चीज को भक्ति को छुपा करके ठाकुर जी रखते हैं, लेकिन वो चीज भी दे देते हैं जब निष्कपट रूप में उनसे प्रार्थना करो। इसलिए हमारे अंदर में से गिरिराज गोवर्धन है, अंदर में गिरिराज गोवर्धन। कल जब कथा होगी ना, आप लोग मंदिर को चार बार परिक्रमा लगा, ठीक है, यहाँ पर चार बार अगर परिक्रमा लगा दोगे, तुम्हें गिरिराज गोवर्धन पूजा करने का फल तुम्हें यहीं पर गिरिराज पूजा का फल तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। अगर नवीन प्रभु जी, हाँ, कोई कोई व्यक्ति मेरे से हरिनाम लेने के लिए बोल रहे थे, हम माला जप करना चाहते हैं, इसलिए जो जो लेना चाहते हैं, माला जप करना चाहते हैं, कल सवेरे 7 अगर 8 बजे आओगे तो आप माला ले लेना, ठीक है। और देखो जो लोग हरिनाम लिए हो, अभी जो लोग गोपाल मंत्र नहीं लिए हो, क्योंकि गोपाल मंत्र के बगैर ठाकुर जी को भोग नहीं लगती है, इसलिए जो व्यक्ति गोपाल मंत्र लेना चाहते हो कल गोपाल मंत्र के लिए भी ले आना। और जिनकी गले में कट्टी टूट गई एक बार पहले लिए और टूट गए, कल आओगे तो कट्टी भी ले जाना, ठीक है। ओम अज्ञानते विरांदस्य ज्ञानरंजनशलाके चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियतमे श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायण गोस्वामी नाम सर्वप्रथम भक्तिवेदान्तनारायण गोस्वामी। हरे कृष्ण को गेट में ए बच्चे
क्या बात कर, बैठना बैठो, नहीं तो खड़े मत हो, नीचे जाओ बैठना, चुपचाप बैठो यहाँ। नारायण विष्णु महाराज नहीं तो नीचे जाओ, सरोज में हम रोटी कोटी बनो को गेट में खड़े मत हो, बैठ जाओ। पश्चात श्री शिष्य गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में आनंद प्रतिदिन की आंदोलन करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित वैष्णव वैष्णव के चरणों में तेरे के प्रणाम है। आज श्रीमती राधा रानी का हम आविर्भाव उत्सव मना रहे हैं। कल महाराज जी ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव महोत्सव मनाया। भारतवासियों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जितने भी उत्सव होते हैं वास्तविकता में वैष्णव ही उत्सव मनाना सिखाते हैं, अन्यथा हम उत्सवों की महिमा को जान नहीं पाते। जितने भी उत्सव हैं ये भगवान से संबंधित हैं। उत्सव का मतलब होता है जिसमें उत्साह हो, जिसमें हर्ष हो, जिसमें आनंद हो, और ये तीनों वस्तु कौन प्रदान कर सकता है? केवल और केवल भगवान और उनके भक्त। अर्थात भगवान से संबंधित यदि हम उत्सव मना रहे हैं तो वह सत्य सत्य उत्सव है, अन्यथा जितने भी आजकल मनोकल्पित उत्सव मन रहे हैं वो सत्य नहीं है। वो आत्मा को हर्ष प्रदान नहीं कर सकते, आनंद प्रदान नहीं कर सकते, एकमात्र मनोरंजन कर सकते हैं। तो ये जितने भी प्रकार की गतिविधियां हैं चल रही हैं, चाहे वो संकीर्तन है, चाहे वो यहाँ पर भजन कर रहे हैं या यहाँ पर सुंदर नृत्य हो रहा है, एकमात्र हम सबको भगवान से प्रीति करने की शिक्षा जिससे मिल सके और आत्मा शुद्ध हो सके। इसलिए कथा श्रवण से क्या होता है, हमारी भ्रांतियां टूटती हैं। हम लोग जो कई प्रकार की भ्रांतियां लेकर घूमते हैं वो कथा के माध्यम से गुरुदेव उनको दूर करते हैं और शुद्ध प्रकार का ज्ञान और सिद्धांत हमें प्रदान करते हैं। तो कल चर्चा हो रही थी भीष्म पितामह की। भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण को वीर रस प्रदान करने हेतु आए और हमेशा भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते रहते थे। युद्ध में रोज 10,000 सैनिकों को मार रहे थे। महाभारत युद्ध में रोज 10,000 सैनिकों को भीष्म पितामह मार रहे थे और यहां पर चिंता होने लगी पांडवों को कि ये तो रोज 10,000 अगर सैनिक ऐसे मारेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि कुछ ही दिनों में हमारे सैनिक समाप्त हो जाएंगे और हम युद्ध हार जाएंगे। तो प्रभु हमारी किस प्रकार से रक्षा करेंगे ये तो प्रभु ही जाने, लेकिन ये चिंता का विषय तो है। इतना अच्छा युद्ध कर रहे हैं भीष्म पितामह और दुर्योधन तब भी उनको चाबी भरने में लगा हुआ है। पितामह आप रोज इतने सैनिकों को मार रहे हो, सब निरर्थक है, किसी काम का नहीं, ये युद्ध बेकार है। तो क्यों, एक भी पांडव तो तक मरा नहीं, क्या युद्ध कर रहे हैं आप? इतना उत्साह से युद्ध कर रहे हैं भीष्म पितामह, उसमें किसी प्रकार का वो भेदभाव नहीं कर रहे कि मैं इसको मारूंगा उसको नहीं मारूंगा। तब भी दुर्योधन क्या कर रहा है, पितामह आप भेदभाव कर रहे, एक भी पांडव को आपने नहीं मारा, बस सैनिकों को मारे जा रहे। पांडव को मारो क्यों बने, बस सैनिकों मार रहे, राजा मर जाएंगे, जो राजा बनने के इच्छुक पांडव है वो मर जाएंगे तो युद्ध समाप्त। तब भीष्म पितामह ने सोचा कि दुर्योधन ने इतनी बड़ी बात बोल दी, तभी उन्होंने 5 तीर निकाले, कहा दुर्योधन तुमने मेरी क्षत्रियता को ललकारा है, उस पर संदेह किया, मैं तुम्हें वचन देता हूं ये 5 तीर कल सुबह 5 पांडवों के लिए हैं और वो बचेंगे नहीं, ये संकल्प लेता हूं। इतना बड़ा संकल्प लिया भीष्म पितामह ने, दुर्योधन ने सोचा काम बन गया, प्रसन्न होकर चला गया और वो तो उत्सव मनाने लगे कि भीष्म पितामह का संकल्प कभी खाली नहीं जाता। जितने भी संकल्प लिए आज तक भीष्म पितामह ने उन्हें पूर्ण किया और वहां तो रात्रि में बहुत बड़े उत्सव होने लगे, मदिरा चलने लगी, नृत्य गान होने लगे, सब आनंद मग्न हो गए। भगवान श्री कृष्ण
अंतर्यामित रखते हैं। उन्होंने ये सब देखा कि भीष्म पितामह ने संकल्प लिया है, पांच बाण तैयार किए पांच पांडवों के लिए, चिंता का विषय। उन्होंने कहा अर्जुन तुम यहाँ सो रहे हो आराम से, और वहां भीष्म पितामह ने संकल्प ले लिया, तुम पांचों को मारने के लिए पांच बाण तैयार कर दिए, बहुत गंभीर संकल्प है। अब अर्जुन क्या कह रहे हैं, प्रभु दिन भर का थका हारा हूं, ये चिंता करना आपका विषय है, हमें नहीं पता, मुझे सोने दीजिए, और चंद्र तान के सो गए। और यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान को चिंता हो रही है कि भाई हाँ रक्षा तो मुझे ही करनी पड़ेगी। अब उन्होंने द्रौपदी को कहा, हे द्रौपदी तुम जो है ये बताओ, पांचों के पांचों पति जो तुम्हारे हैं, यदि कल इनकी मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा। तो द्रौपदी की आंखों से अश्रुपात होने लगा, हे कन्हैया क्या कहना चाहते हो, सही सही बताओ। उन्होंने कहा बड़े दुख का विषय है, भीष्म पितामह जो प्रतिज्ञा करते हैं उसे पूर्ण करते हैं, उन्होंने पांच बाण निकाल करके ये संकल्प ले लिया है कि पांचों पांडवों को कल मार दूंगा। तो द्रौपदी ने कहा हे कन्हैया वह जो क्षण होगा जब ऐसा कभी घटित होगा तो ये मैं देख नहीं पाऊंगी, ऐसा हो इससे अच्छा तो ये है कि मेरी चिता आज ही लगा दी जाए और मैं आज ही भस्मभूत हो जाऊं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा आप बात तो सही है, लेकिन फिर भी तुम एक काम करो, तुम ये अब जो तुमने वेश बना रखा है, बाल खोल रखे थे द्रौपदी ने, क्योंकि उसने भी संकल्प लिया हुआ था कि जब तक दुशासन का लहू नहीं मिलेगा और उस लहू से इन केशों को धो नहीं लूंगी तब तक इसको पीटूंगी नहीं, बांधूंगी नहीं। तब उन्होंने कहा कृष्ण भगवान ने, देखो अब तुम एक काम करो, जब चिता में जलने जाती है चतुराणी तो 16 श्रृंगार करती है, सुंदर सुंदर आभूषण पहनती है, कितना समय हो गया तुमने कोई आभूषण नहीं पहना, तुम सुंदर सुंदर आभूषण पहनो, अच्छा स्नान करो, महंगी से महंगी साड़ी पहनो, महारानी बनकर के आओ, मैं चिता तैयार करता हूँ। कन्हैया क्या बोल रहे हैं, मैं चिता तैयार करता हूँ, तुम 16 श्रृंगार करके आओ। अब द्रौपदी भोली भाली चली गई और स्नान किया और सुंदर 16 श्रृंगार किया, महंगी महंगी साड़ी पहनी, गहने पहने और आ गई गोपाल में आ गई। ठीक है चिता को तुम बाद में देखेंगे, तो पहले आओ मेरे पीछे पीछे। और शत्रुओं के शिविर में चले गए, वहां सब सो रहे थे, और दुर्योधन का जो शिविर था उसमें बहुत बड़ा उत्सव हो रहा था, सब मदिरा पान कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, मौज उड़ा रहे थे। ये भीष्म पितामह के शिविर में चले गए कृष्ण भगवान, और द्रौपदी से कहा कि जो छम छम की जो तुम्हारी पायल की आवाज आ रही है और ये जो तुम्हारी जूती की आवाज आ रही है, जूती मुझे दो और तुम अब चलो, क्योंकि कोई पहचान ना लगे। अब वो चले, अब जाकर के भगवान उस शिविर के बाहर उस जूती को लेकर के बैठ गए, लेट गए, और कहा तुम जाकर के भीष्म पितामह के चरणों में गिर जाना, ठीक है, और घूंघट निकाल के जाना। अब तो द्रौपदी ने ऐसे ही किया, घूंघट निकाला और सीधा जाकर के भीष्म पितामह के चरणों को जाकर प्रणाम किया। तब उन्होंने देखा ओ दुर्योधन की पत्नी है, इतना 16 श्रृंगार तो द्रौपदी कर ही नहीं सकती, सबके दिमाग में ये था। भीष्म पितामह ने सोचा कि दुर्योधन ने अपनी पत्नी को भेजा है, अभी भी इसे संतोष नहीं हुआ कि मैंने जो प्रतिज्ञा ली पूरा करूंगा। तो उन्होंने बोला चिंता क्यों करती हो सौभाग्यवती, तुम्हारा जो है हर प्रकार से कल्याण हो देवी, तुम किसने इतनी रात को आई हो, और तुम्हें जो है हर प्रकार का मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूँ, तुम्हारा जो है वर हमेशा सुरक्षित रहे, चिंता मत करो, तुम्हारे वर हमेशा सुरक्षित रहेगा, मेरे जीते जी तुम्हारे वर को आंच नहीं आएगी, तुम्हारे पति को किसी प्रकार की आंच नहीं आने दूंगा, पूर्ण आशीर्वाद दे दिया। अब तो द्रौपदी खड़ी हुई, घूंघट हटाया, अरे द्रौपदी तुम कैसे इतनी रात में 16 श्रृंगार किए हुए हो। तभी भगवान जो है बाहर खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे, भीष्म पितामह ने कहा कि इतनी रात में तुम आई हो, ये किसकी प्रेरणा से आई हो। तो द्रौपदी चुप रही, कुछ बोली नहीं,
उन्होंने कहा इतनी बुद्धि पांडवों में तो नहीं है, हाँ छलिया में जरूर है, ये कृष्ण ने जरूर बुद्धि दी होगी। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो कहाँ है कन्हैया? बोले बाहर खड़े। तब बाहर आए, भगवान के पास आए विष्णु पितामह, उनको दंडवत प्रणाम किया। हे प्रभु, ये कैसी कैसी लीला मेरे हाथों से करवाना चाह रहे हो, कभी तो प्रतिज्ञा दिलाते हो कभी तोड़वाते हो, कैसे होगा? मैंने प्रतिज्ञा ली है। तो कृष्ण भगवान ने कहा देखो तुमने प्रतिज्ञा तो ली है लेकिन तुमने आशीर्वाद भी दिया। द्रौपदी को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे पति जीवित रहेंगे, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जानो। अब ये चले गए और द्रौपदी को जाकर कहा बोला तुम आराम से सो जाओ। इधर अर्जुन को उठाया कि भाई अब तो बहुत देर सोने, खड़े हो जाओ, आज सोने की रात नहीं है, अभी अधूरा काम हुआ है, अभी भी विचलित है भीष्म पितामह, इसको पूर्ण करो। अच्छा कैसे? क्योंकि जब अर्जुन वनवास में थे तो बड़ी कृपा हुई भगवान की, जो स्वर्ग तक चले गए थे और स्वर्ग में बड़ा सुंदर नृत्य सीख कर आए थे, और वो सुंदर नृत्य सीख कर के आने के कारण वो हर प्रकार का नृत्य जो इस पृथ्वी लोक में भी नहीं होता, जो वहां की कन्याएं और वहां की जो अप्सराएं करती है वो भी कर लिया करते थे। तो यहाँ पर आए भगवान श्री कृष्ण, योगी राज का वेश धारण किया, अर्जुन का भी वेश जो है बदला, सुंदर उसको श्रृंगार कराया, और जाकर के जहां पर दुर्योधन बड़ा उत्साह के साथ आनंद दे रहा था, मदिरा पान कर रहा था, उत्सव मन रहे थे, वहां पहुंचे और कहा कि इतना बड़ा उत्सव हो रहा है महाराज, हम भी जो है नृत्य करेंगे। तो बोले आओ आओ योगीराज, आप नृत्य कैसे करेंगे? मतलब नहीं, मेरा शिष्य नृत्य करेगा, बड़ा अच्छा नृत्य करता। तो वहां पर सभा लगी हुई है, सब मदिरा पान कर रहे हैं, आनंद लूट रहे हैं, और यहाँ अर्जुन ने नृत्य किया, बड़ा सुंदर संगीत वादन जिस तरीके से यहाँ चल रहा है, बहुत सुंदर तरीके से चला, और अर्जुन ने हर प्रकार के वहां पर नृत्य करके दिखाई। सब बड़े आनंदित हुए, उछल उछल कर नृत्य किया अर्जुन ने, और सब खड़े होकर के ताली बजा बजा कर उसका स्वागत कर रहे हैं। नृत्य खत्म हुआ, पूरा एक घंटा नृत्य हुआ, उसके बाद जो है दुर्योधन इतना हर्षित हुआ, इतना खुश हुआ, और कहने लगा कि तुम कुछ भी मांग लो मुझसे, मैं आज इतना प्रसन्न हूँ, आज भीष्म पितामह ने भी मुझे प्रसन्न किया और तुम लोगों ने भी मुझे प्रसन्न किया, आज मुझसे कुछ भी ले लो, सब कुछ देने को तैयार हूँ। वैसे भी जब मदिरा सेवन हो जाती है तो आवेश चार गुना हो जाता है, कुछ भी देने को आज में तैयार हो जाता है। तो अर्जुन ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो भी कुछ देना है मेरे गुरुदेव को दीजिए। तो गुरुदेव ने कहा देखो ये शर्मीला बच्चा है, तुम्हारे पास सबसे महत्वपूर्ण अभी जो है तुम्हारा सिर पर जो रखा हुआ मुकुट है, इससे तुम्हारा सबसे महंगा मुकुट इसी को प्रदान कर दीजिए, क्योंकि इतना अच्छा नृत्य आपको लगा तो मुकुट आप दे दीजिए। तो दुर्योधन ने सोचा हाँ क्यों नहीं, बहुत महंगा सबसे अच्छा मुकुट जो था दुर्योधन का, अपने सिर से उतार करके अर्जुन को पहना दिया। अब अर्जुन को पहना करके और फिर मदिरा पान में वो सब कुछ इतना मदमस्त था कि वो क्या कर रहा है, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, और उसने मुकुट पहना दिया। वो मुकुटधारी अर्जुन और कृष्ण वापस भीष्म पितामह के शिविर में पहुंचे और कहा अर्जुन को तुम जाओ भीष्म पितामह के चरणों में दंडवत प्रणाम करो। वहां अर्जुन अंदर प्रवेश करके भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम किया, तो मुकुट किसका था? वो दुर्योधन का। अब भीष्म पितामह ने देखा अरे दुर्योधन पुनः आ गया, आज क्या हो गया दुर्योधन, कितने आशीर्वाद लोगे, तुम्हारी पत्नी भी आई तुम भी आए, ये सोच रहे हैं। और उठाया दुर्योधन चिंता मत करो, कल का युद्ध तुम जीतोगे, तुम हमेशा इस युद्ध में विजयी रहोगे, चिंता मत करो, खड़े हो जाओ। और आलिंगन जैसे करने लगे देखा अर्जुन, अर्जुन अरे ये तो फिर छलिए ने छल लिया मुझे, बाहर कौन है? कृष्ण। कृष्ण भगवान फिर आए मुस्कुराते हुए, प्रभु क्या चाहते हो? मैं तुम तो आशीर्वाद जो दे रहे हो वही चाहता हूँ, जो तुमने बच्चों का आशीर्वाद दिया उसे पूर्ण कीजिए। ठीक है प्रभु, अगर आपने मेरे जो है प्रण को तोड़ा है तो मैं भी आज एक संकल्प लेता हूँ, मैं भी एक प्रण लेता हूँ कि कल के युद्ध में जो मैंने प्रण लिया था वो तो टूट गया, लेकिन अब जो मैं नया प्रण लेता हूँ, जो आपने प्रण लिया हुआ है कि मैं शस्त्र और अस्त्र नहीं उठाऊंगा, उसको मैं तोड़ूंगा।
अच्छा तो भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न होकर चले आए। सुबह का युद्ध बड़े सुंदर तरीके से भीष्म पितामह तैयार हुए और उन्होंने अपने सारथी को आदेश दिया, चलो अर्जुन के रथ की ओर। अब तो आज भीष्म पितामह ने इतना भयंकर युद्ध किया, अर्जुन का जो रथ एक एक तीर जब भीष्म पितामह का लगता था 10-10 गज पीछे चला जाता था, और अर्जुन जब तीर छोड़ता था भीष्म पितामह का कुछ नहीं होता था। बहुत देर तक युद्ध होता रहा, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण पर प्रहार करना शुरू कर दिया। किसने? भीष्म पितामह। यहाँ पर वीर रस का आस्वादन लेना चाहते हैं और देखो यहाँ पर भक्त है भीष्म पितामह, तुम भी क्या काम कर रहे हैं? कृष्ण भगवान पर तीर चलाएगा क्योंकि भगवान को वीर रस का आनंद प्रदान करने के लिए तीर चला दिया, भगवान का कवच काट दिया और भगवान की छाती से लू निकाल दिया, लू लुहान कर दिया भगवान को, और तो और रथ के पहिए काट दिए, रथ तोड़ दिया। अब तो भगवान से रहा नहीं कि देखो आज तो बहुत गुस्सा दिला दिया, अर्जुन आज मर जाएगा अगर मैं इसकी रक्षा नहीं करूंगा। रथ के पहिए को उठा करके छलांग लगाई और सीधा भीष्म के रथ की ओर चल पड़े, उनको मारने के लिए उद्यत हुए। अर्जुन दौड़े, हे प्रभु आपकी प्रतिज्ञा है, आप कोई अस्त्र और शस्त्र नहीं चलाएंगे। उनको जाकर के चरणों में पड़ गए और यहाँ पर भीष्म पितामह ने एकदम हाथ जोड़कर खड़े रहे, प्रभु बस मैं यही देखना चाहता था, आपका जो प्रण लिया था वो आपका टूट चुका है और जो आप दौड़ कर आए हैं, जो आपके मुखमंडल में यह आभा है, साथ में जो घुंघराली, जो आपके बाल है अलकावली है, उसमें जो धूल धसरे दिए बाल हो गए हैं, इनको देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। जब आप वृंदावन में गैया चराते चराते आते हैं शाम के समय, तो गोधूलि जो आपकी अलकावली में लग जाती है वही दर्शन हो रहा है। आज मुझे वृंदावन की याद आ गई है, तो आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। बोलो भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान की। इस तरीके से बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं ये हम सबको प्रेरणा प्रदान करती है कि हमें भगवान के प्रेम के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। इस भाव से मदद करेंगे तो निश्चित तौर से हम हरि भजन कर पाएंगे। धन्यवाद। वांछा को कृष्ण पास ले गए। कृष्ण राधा की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधा। नमन्यम सत्यम। विजय कुमार, अरविंद कुमार, बागपत से आज इन लोगों ने आप सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था की है। किसका नाम लिया? इधर आ जा। सब इनको आप आशीर्वाद दे। आज राधा रानी के जन्मोत्सव पर मैंने सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था की। और राधा रानी कौन है यदि ये सर्व लक्ष्मी मई से राधा रानी, इनकी कृपा से ही घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। इसलिए आप सभी इनके लिए ताली बजाओ। इनका आशीर्वाद हो, खूब फल के भूख करें और खूब साधु संतों की सेवा करें। बस श्रीमती राधा रानी की। श्रीमद् भागवत में हमारे बीच कुछ लोग और भी हैं जिनका हम कल नाम लेना भूल गए थे। उनमें श्री रामपाल जी हैं जो बहुत अच्छा योगदान दिया, उनके लिए जोरदार तालियां। वो भी आ गए आशीर्वाद ग्रहण करें महाराज जी से। जिनका नाम लिया श्री रामपाल जी। कहाँ है रामपाल जी? बड़ा जल्दी आ जाइए। मुकेश प्रभु जी, एक ये श्री राजकुमार जी ने बहुत अच्छा योगदान दिया है गुराना रोड से, इनके लिए भी जोरदार तालियां। हरी बोल। श्री विजय कुमार जी भी इधर आ जाइए। अर्पित, अर्पित आप आ जाइए। ये श्री विजय कुमार जी का बेटा है, योगदान करते हैं। श्रीमती राधा रानी की जय। श्रीमती राधा रानी की जय।
जय जय श्री राधे। हरि बोल। अभी राधा रानी के जन्म उत्सव हम मनाएंगे। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद राधा रानी के लिए एक सुंदर श्लोक उच्चारण करती है। बोले राधा रानी कौन है? बोले ब्रह्मेश्वरादि सुदुरो पदारविंदम श्रीमद पराग परमात भूत वैभ भाया। यदि राधा रानी की चरण की इतने दुर्लभ है, बोले ब्रह्मा को भी राधा जी की चरण प्राप्ति बड़ा कठिन है। आप लोग जो बरसाना गए हैं, आप लोग जो बरसाना गए होंगे, आप देखे होंगे जब सारे सीढ़ियों को पार करोगे ना, सीधा हाथ में देखना ब्रह्मा जी की तपस्या आता है। इसलिए ब्रह्मा जी 60,000 साल तक उन्होंने तपस्या की है, बोले राधा जी की चरण की सेवा पाने के लिए। इसलिए श्री पर्वत, इसलिए पर्वत रूप में बरसना रूप में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। बोले ब्रह्मेश्वर आदि कहते श्री शंकर जी, हम कल सुनेंगे शंकर जी कैसे गोपी बन करके प्रभु की रास दर्शन करने के लिए आए। इसलिए लेकिन गोपी बनने पर भी उनको प्रवेश अधिकार नहीं हुई वृंदावन में। इसलिए राधा रानी की कृपा के बगैर वृंदावन में प्रवेश कठिन है। जैसे माँ लक्ष्मी, उद्धव जी, नारद जी कहते ये लोग राधा जी की चरण की पाना इनके लिए कठिन। बोले इनकी बात छोड़ दो, अगर कभी राधा रानी मान कर लेना वृंदावन कौन कौन गए हो वृंदावन, वहां पर एक सेवा कुंज देखना है, इसका नाम सेवा कुंज भी नाम पड़ा। कहते जहाँ पर श्री भगवान स्वयं राधा रानी की चरण की उन्होंने सेवा की थी, बैठ पैलट राधिका पायर, जहाँ श्री किशोर जी की सेवा स्वयं कृष्ण ने किया है, इसलिए उसका नाम श्री सेवा कुंज नाम पड़ा। बोले राधा जी की चरण की अगर कृपा किसको मिल जाए, बस कृष्ण अपने आप उसको मिल जाते। इसलिए कहते ना राधे राधे रटो चले आए बिहारी। इसलिए कहते श्री वृषभानंद महाराज जी, इनके घर में एक बेटा श्रीदाम था, लेकिन घर में कोई बेटी नहीं। अभी इनके मन में इच्छा घर में एक बेटी होनी चाहिए, क्योंकि आप देखना घर में बेटी आए ना, सारा दुनिया कहते घर में लक्ष्मी आए। घर में कौन आई? लक्ष्मी आई है। इसलिए लेकिन दुर्भाग्य की बात है, अगर घर में बेटी हो जाए तो सब दुखी हो जाते हैं, और बेटा होने पर खुश हो जाते हैं। नहीं, अगर बेटियां नहीं होती जगत में, इतना जो संसार देख रहे हो, फिर संसार होता? इतना दुनिया होता? ये बेटियों की वजह से ये दुनिया इतना इतना दुनिया की इतना जो सृष्टि हो रही है। इसलिए आप देखना जब पिताजी कहीं बाहर जाए ना, अगर बेटा बोलेगा जानते हो पिताजी मेरे लिए क्या लाओगे, लेकिन जानते हो बेटी क्या बोलोगे, बोले पिताजी कब आओगे, पिताजी कब आओगे। भले ही बेटी शादी होकर के अपना ससुर घर में चली जाती है, देखना वहीं से खबर लेती है मेरे पिताजी कैसे, मेरे माता जी कैसे, मेरे परिवार में। बहुत सारी जगह में देखा है, बहुत सारी जगह में घर में जब कोई बहू जी आ जाते हैं ना, कभी लड़ाई हो जाती है, लास्ट में जब कोई गड़बड़ी हो, पिता माता लास्ट में बेटी को पास में जाकर सहारा लेते हैं, मैंने बहुत सारी जगह में देखा। इसलिए घर में बेटी आए नहीं तो बेटा आए, इनको बराबर माननी चाहिए है। इसलिए वृषभानंद महाराज भी कह रहे हैं घर में बेटी नहीं है। देखना कन्या दान को जगत में जितना बड़ा दान, कहते कन्या दान को सबसे बड़ा दान मानी है। कन्या का हाथ ऊपर रहता है, देने वाला का हाथ ऊपर होता है, और लेने का वाला का हाथ नीचे रहता है। इसलिए दुखी नहीं, इसलिए वृषभानंद महाराज सोच रहे हैं घर में एक बेटी होनी चाहिए। इनका नित्य नियम था, क्या नियम था, यमुना में स्नान करना। जब वो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के लिए गए, देखा एक सतदल कमल पुष्प गोबर में बड़ी सुंदरी एक लाली बहते हुए आ रही थी। शरीर की ज्योति से चतुर्दिग उद्भासित हो रहा था, उजला उजला हो रहा था। वृषभानंद महाराज पानी में उतरे और उन्होंने लाली को वहीं से उन्होंने उठा लिया। बोले श्रीमती राधा रानी की, और उन्होंने श्री कृतिका मैया को दिए। देखो ठाकुर जी की कृपा हुई है, हमारे घर में
लाली आई, बड़ी आदर पूर्वक उनको जत्न पूर्वक उनको पालन कर रही थी। इतने में नारद जी ने देखा कृष्ण तो गोकुल में आ गए, कृष्ण कभी अकेला नहीं आते, वो राधा रानी को साथ में आते हैं, इसलिए राधा के बगैर कृष्ण आता है, हैं? इसलिए बोले चापी राधा सापी कृष्ण चा राधा कृष्ण एव सब एक ज्योति दिथा निर्णय राधा माधव स्वरूपम, जो कृष्ण वही राधा, जो राधा वही कृष्ण, एक ज्योति ही, वो दो रूप में राधा कृष्ण रूप में प्रकट हुए। नारद जी गली गली में घूम रहे हैं ब्रज की, सब घर में जाकर के पूछते हैं कोई बेटी हुई है, कहीं ललिता कहीं विशाखा कहीं चंपकलता कोई तुंगभद्रा, सब देखा सखियां, लेकिन वो कृष्ण ही नहीं राधा रानी नहीं। जब श्री रावल में पहुंचे वृषभ महाराज से पूछे घर में कोई बच्चे भय हो, तब उन्होंने बेटा को ला करके दिखा है, बोले कोई लाली भाई की नहीं, जो हो क्यों यमुना से मिलेगी, बोले हाँ एक बेटी भी भाई, बोले ले करके आओ। जब उन्होंने लाए ना वो देख करके तो कहीं जानी गई, यही श्री भगवान की स्वरूप शक्ति लादनी शक्ति पराशक्ति भगवान की यही है। इनको ही तो मैं ढूंढ रहा था, अभी उनको स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन वो तो अपना बेटी मानती है, उनको पता ही नहीं रमेश्वरी कमेश्वरी यही विश्व ब्रह्मांड की ईश्वरी है, इनको ही बात बताई, वो तो बेटी मान रही है। बोले एक काम करो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की राधा कनक बिहारी की होती। इतने में उन्होंने बहाना बनाए, थोड़ा फूल लेकर के आओ, आपका बच्चे को मैं स्वस्ति वाचन करके आशीर्वाद देना चाहता हूँ। जब वो अंदर में गए इतने में राधा रानी किशोरी बन गई, अष्ट सखियां प्रकट हो गई। ललिता कह रही है बाबा क्या देख रहे हो, जल्दी जल्दी राधा जी की स्तुति करो, अभी राधा रानी अंतर ध्यान हो जाएगी। फिर श्री नारद जी राधा रानी की बड़ी सुंदर रूप ने स्तुति करते हैं। हम दो लाइन बोलते हैं, देखो इसका नाम है राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, मतलब ये स्तोत्र को जो बोलेगा ना जरूर उसको ऊपर में ईश्वर जी की कृपा होगी। अगर 108 बार कोई राधा कुंड में खड़े होकर के बोले राधा रानी स्वयं प्रकट होकर के दर्शन देती है, इतने शक्ति इसके अंदर में। जैसे हम अलग अलग स्तुति पढ़ते हैं, इसको नहीं पढ़ करके आप ये स्तुति को रोज घर में पढ़ा करो, राधा रानी की जरूर उसको घर में कृपा होगी। हम इसको दो श्लोक बोल लेते हैं, ले आओ भाई को जो लड़की को लेकर आ जाओ, तुम भी अपना सर पर कपड़ा लेकर के आना, खाली कपड़े खाली कपड़े। बोले मुनिन्द्र राधा रानी जन्म से आंख बंद करके रखी थी,
बोले सबसे पहले मैं कृष्ण को देख करके हाथ खोलूंगी। इतने में श्री मैया जसोदा कृष्ण को ला करके राधा जी के पास में सुला दी। कृष्ण अपना हाथ पर राधा जी के ऊपर रखते ही राधा जब स्पर्श होते इसका रोम रोम खिल उठा। अरे मेरे प्रियतमा आ गई। इतने में श्री राधा रानी आँख खोल करके सामने सबसे पहले कृष्ण को दर्शन की। वृषभ महाराज तो खुश थे, लेकिन पता नहीं जन्म से ये लड़की ये आंख बंद करके किसी चीज को याद कर रही है। लेकिन जब देखा उन्होंने आंख खोल दी, फिर तो चार चांद लग गया। फिर तो बड़े धूमधाम से उन्होंने राधा रानी की जन्म उत्सव को उन्होंने मनवाया। देखो देखो हमारे श्री सिद्धांत प्रभु जी, श्रीकांत प्रभु जी ये जगन्नाथ पुरी जा रहे हैं रथ यात्रा। जो रथ यात्रा आप लोग यहाँ दर्शन करते हैं ना, जो मूल रूप में जो रथ यात्रा से जगन्नाथ पुरी शास्त्र में बताया, अगर रथ ऊपर में एक बार ठाकुर को कोई दर्शन करे फिर संसार में दो बार जन्म नहीं होता। और वहाँ पर कितने लोग वहाँ पर कैसे जगन्नाथ जी रथ यात्रा से पहले सब लोग जाकर झाड़ू लगाते हैं एक मंदिर में जहाँ पर ठाकुर जी वृंदावन में जाएंगे। वहाँ अगर कोई झाड़ू लगाए ना मंदिर में तो झाड़ू लगाओगे लेकिन तुम्हारे दिल में झाड़ू लग जाएगी। इसलिए हमारे श्री श्रीकांत प्रभु जी जाएंगे। इसलिए जिनको जाना श्री जगन्नाथपुरी आप श्रीकांत प्रभु जी का नाम ये इनको इनका अपना आदेश देना और अपना नाम दे देना। और पहले फिर टिकट बना देंगे ना, फिर रिजर्वेशन नहीं मिलती है। पहले टिकट बन जाएगी तो फिर रिजर्वेशन आसानी से तुम लोग जा सकते हो। एसी में जाना चाहते हो, बिना एसी में जाना चाहते हो, किसी तरह से जाना चाहते हो आप जा सकते हो। आने जाने का टिकट बना लोगे फिर आसानी से जा सकते हो, आसानी से आ सकते हो। इसलिए अभी हमारे राधा रानी की ये गाएंगे फिर तब राधा रानी बधाई देते हो सब। बोले श्रीमती राधा रानी की देखो राधा रानी की बधाई है कि ना। अगर इसमें जो नाचेगा राधा रानी के जन्मोत्सव में जो नाचेगा तो माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होगी। क्यों? राधा रानी की जन्मोत्सव है, मूल लक्ष्मी श्री भगवान श्री राधा रानी। बोलो राधा रानी की जय, हमारी की जय, जय श्री राम। राधा रानी प्रगट धर्मा बधाई बात दे, राधा रानी प्रगट धर्मा बधाई बात दे, राधा रानी प्रगट धर्मा धारी प्रगट भैया धारी Thank you.
Thank you.
Thank you.
Oh,
गौरव की नृसिंह वृंदावन जय श्री ब्रह्मचर्य राजा मनमन गाय मनमन तो बुला लो सबको बच्चे सब इधर आ जाओ हरे कृष्ण अभी जो गोपी नाच रही थी ना आपके सामने ये दूसरों को नृत्य सिखाती और टीचर है तभी इतने बढ़िया नाच रहे थे निकले जोरदार ताली बजाओ सब भक्तों को पहले कर दिया आप बाबरे बन गए गोपी को देख देख आपने देखा गोरीलाल को कीर्तन कोई नहीं सुन नाचेंगे ठीक है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु हरि 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 हरि